आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है द सुपर एनर्जेटिक उत्थान बैच में। और आज हम लोग पढ़ने वाले मोशन इन स्ट्रेट लाइन। जब से एनटीए पिछले तीन चारों से सवाल बना रहा है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन काइनेमेटिक से ज्यादा सवाल पूछे गए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। और पूरे फिजिक्स को आप जब पढ़ेंगे आगे, मॉडर्न फिजिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, मैग्नेटिज्म, तो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन हर जगह काम आता है। तो बहुत बेसिक और फंडामेंटल, और इससे बहुत सारे सवाल बनते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, आज हम थोड़ा सा आपको बेसिक चीजें जरूर बताते हुए चलेंगे, छोटी छोटी बातें। अगर मैं सिर्फ फिजिक्स की बात करूं तो छोटी छोटी बातें बहुत छोटी लगती है, लेकिन अगर आपके दिमाग में फिजिक्स भी हो, केमिस्ट्री भी हो, बोटनी भी हो, जूलॉजी भी हो, सारी बातें चल रही हो, और तब एक छोटी बात आप भूल जाओ फिजिक्स का, तो लगता है बाप रे कितना बड़ा कंसेप्ट है। ऐसा नहीं है, है छोटी चीज, लेकिन बहुत सारी चीजों को दिमाग में रख के परफॉर्मेंस प्रेशर के साथ जब आप रिविजन करते हो, पढ़ते हो, टेस्ट देते हो, तो ये छोटी छोटी चीजें दिक्कत करती है। और नीट में यही आता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं आएगा। 50 में से चार सवाल बहुत मुश्किल होंगे, लेकिन 46 क्वेश्चन बहुत इजी होंगे। कोई बहुत इजी पे पहले जोर डालना है, चार सवाल छोड़ भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ गए। तो आज मोशन एंड स्ट्रेट लाइन की बेसिक थ्योरी पढ़ते हुए हम आगे चलेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। एक चीज समझना छोटा सा, आज आप एकदम घामर बेवकूफ टाइप बच्चे हो, संघर्ष कर रहे हो, पढ़ रहे हो, कोई वैल्यू नहीं दे रहा, आप एकदम रामलाल और रामलाल से डॉक्टर रामलाल बन जाओगे, तो दुनिया ना तुम्हारी संघर्ष नहीं देखेगी। तुमने कैसा रास्ता तय किया है, किस तरीके से संघर्ष करके रास्ते को तय किया, तुमने कितना पेन झेला है, कितना स्ट्रगल किया, नहीं देखी। शिफ्ट इन पोजिशन देखी, कल तो यार ये बेवकूफ सा रामलाल था, आज डॉक्टर रामलाल है। दुनिया क्या देखती है, शिफ्ट इन पोजिशन, सिर्फ सक्सेस देखती है दुनिया। लेकिन एक्चुअल में आप वहां तक कैसे पहुंचे हो, रास्ते का कष्ट, दर्द, संघर्ष आपको पता है। वही डिस्टेंस बेटा रास्ते का दर्द, संघर्ष, स्ट्रगल है, और डिस्प्लेसमेंट वो सक्सेस है। यहां से चल के तुम यहां पे गए, ये एक्चुअल पाथ लेंथ तुम्हारा डिस्टेंस होगा, ठीक है सर। इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन को स्ट्रेट लाइन से मिला दोगे, ये डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम है? सर सेम ही लग रहा है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन में सीधा चले जा रहे हो। तुम ए से चले, कहीं गए, वापस यहां आए, फिर यहां आए, फिर यहां पहुंच गए, तो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन तुम्हारा क्या हो गया, सेम। तो तुम जहां पे वही रह गए, तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट जीरो, शिफ्ट इन पोजीशन नहीं हुआ। ऐसे नहीं हुआ सर यहां से यहीं आ गए, लेकिन डिस्टेंस होता है एक्चुअल जो पाथ ट्रेवल किया उसका टोटल लेंथ। का टोटल लेंथ क्या होता है? डिस्टेंस एक्चुअल पाथ लेंथ, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शिफ्ट इन पोजीशन को स्ट्रेट लाइन से मिला देते हैं। शिफ्ट इन पोजीशन क्या करते हैं? शिफ्ट इन पोजीशन को स्ट्रेट लाइन से मिला देते हैं। शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, टोटल पाथ लेंथ। डिस्टेंस से स्ट्रगल होता है, कितना चले उस बात से फर्क पड़ता है, किधर चले इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑलवेज स्ट्रेट लाइन, डिस्प्लेसमेंट हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। मान लो तुम यहां हो, प्रोजेक्टाइल करके मैंने तुम्हें यहां पहुंचा दिया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सीधे लाइन से देखेंगे। डिस्प्लेसमेंट ये हुआ, डिस्टेंस ये हुआ, एक्चुअल पाथ लेंथ। डिस्टेंस एक स्केलर टर्म है, हमेशा पॉजिटिव होता है, कैन नॉट डिक्रीज विद टाइम, टाइम के साथ घट क्यों नहीं सकता। अगर तुम चलोगे तो हर कदम काउंट होगा, घटेगा नहीं, निगेटिव होता नहीं है, इसलिए कभी घट नहीं सकता। डिपेंड्स अपॉन पाथ टेकन, डिस्टेंस पाथ टेकन पे डिपेंड करता है कि तुम इस रास्ते इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने के लिए कौन सा रास्ता ले रहे हो। हर रास्ते की लंबाई अलग होगी तो डिस्टेंस अलग होगी, लेकिन शिफ्ट इन पोजीशन तुम्हारा एक ही हुआ तो किसी भी रास्ते से जाओ, शिफ्ट इन पोजीशन सेम है तो डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। क्या क्लियर है ये बातें? एक सेकेंड पॉज करके बाकी चीजें भी पढ़ लो, बहुत सारी चीजें बता दिया मैंने तुम्हें, ठीक है। और वी नो ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। मान ले मैंने तुम्हें दे दिया कि इनिशियल पोजीशन है 2, 3, 4 और फाइनल पोजीशन है 3, 4, 8। डिस्टेंस बताओ, तो तुम डिस्टेंस नहीं निकाल सकते, क्योंकि मैंने बताया कि तुम अभी यहां हो और मैंने बताया फाइनली तुम यहां हो। किस रास्ते से गए मैं तुम्हें नहीं बता रहा। सर रास्ता नहीं बताओगे तो हम रास्ते का लेंथ कैसे निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे तो डिस्टेंस नहीं पता चलेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या चमका? अगर चमका तो बता दीजिए सर, अच्छी पॉइंट है। इनिशियल पॉइंट अगर इतना है, फाइनल पॉइंट इतना है, तो डिस्प्लेसमेंट जरूर निकाल सकते हो कि इनिशियल पॉइंट ही फाइनल पॉइंट, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई का होल स्क्वायर प्लस डेल्टा जेड का होल स्क्वायर, ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। अच्छा मान लो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक तुम जाते हो, तो चाहे कोई भी रास्ता लो, क्या डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा यूनिक हो गया स्ट्रेट लाइन? हाँ। सबसे कम डिस्टेंस कब होगा? जब सीधा जाएंगे, एकदम सीधा चलते जाओगे विदाउट चेंज इन डायरेक्शन, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। लेकिन किसी दूसरे रास्ते से जाओगे तो डिस्टेंस ज्यादा होगा, डिस्प्लेसमेंट कम होगा। तो ये जनरल रिलेशन होता है सर। ये तो जनरल मोशन के लिए हो गया। क्या 2D में लगेगा? हाँ। 3D में लगेगा? हाँ। 4D में लगेगा? हाँ। किसी भी डी में लगाओ, डिस्प्लेसमेंट तो दो पोजिशन के बीच का शॉर्टेस्ट लेंथ है। उसी रास्ते से गए तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा, नहीं तो डिस्टेंस ज्यादा होगा।
और ये याद रखना कभी भी डिस्प्लेसमेंट ज्यादा नहीं हो सकता डिस्टेंस से, कोई ऐसा केस नहीं है जहां पे तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो जाए डिस्टेंस से, कोई ऐसा केस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब एक बहुत सुंदर सवाल बनाया मैंने, पहले ये देख लो, सर्कुलर पाथ में डिस्प्लेसमेंट होता है 2r sin थीटा / 2, याद रखना सर्कुलर मोशन में, और इसको बताऊंगा, आर्क लेंथ होता है डिस्टेंस जो कि होता है r थीटा। अगर सर्कुलर पाथ पे तुम यहां से आर्क पे चल के तुम यहां पहुंचे तो डिस्टेंस तुम्हारा कौन बताएगा? आर्क लेंथ। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 2r sin थीटा / 2। हर चीज को प्रूव करूंगा तो भाई तू भी जानता है कि डेढ़ घंटे में पूरा लेक्चर खत्म नहीं कर सकता। अच्छा, जैसे तुमने पढ़ा था कि अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी के पास यूनिट है तो डायमेंशन के बारे में क्या कहोगे, डायमेंशन है तो यूनिट के बारे में क्या कहोगे, ये पढ़ा था क्या? हाँ सर पढ़ा तो था, ये बहुत अच्छे से हमने पढ़ा था, तो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। नीचे फूलों की दुकान, ऊपर फूलों की दुकान, ऊपर जोरू का मकान। सबसे पहले हम देखते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी के लिए यूनिट होना जरूरी है, तब हम जाकर डायमेंशन के बारे में बात करते हैं, सही है। हाँ, अब यहां भी अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव किया है, थोड़ा भी चला है, थोड़ा भी कहीं चला है, तो पक्की बात है उसमें डिस्टेंस पहले आएगी। क्यों? क्योंकि एक कदम भी तुम बढ़ाओ तो डिस्टेंस आ जाएगी, और डिस्टेंस आएगी तो डिस्प्लेसमेंट आ भी सकती नहीं भी आ सकती। सर कैसे? दो तरह के रास्ते हो सकते हैं। टाइप वन, ये समझ लो, टाइप वन, ऑब्जेक्ट यहां से चला और कहीं आर्क पे चल के यहां, एक रास्ता ये। दूसरा रास्ता क्या हो सकता है? टाइप टू, ऑब्जेक्ट चला और घूम के यही वापस आ गया, ए से चला और ए पे ही वापस आ गया। दो तरह के रास्ते। और तीसरा रास्ता, बट कहीं चला ही नहीं, यहीं पे बैठा है। टाइप थ्री, कहीं चला ही नहीं, यहीं पे बैठा है। टाइप थ्री कहीं चला ही नहीं, यहां पे रेस्ट में बैठा है। अब मैंने तुम्हें बोला डिस्टेंस अगर जीरो है तो इसमें से किसमें डिस्टेंस जीरो है? सर इसमें डिस्टेंस जीरो मतलब एक कदम भी नहीं चला, और एक कदम भी नहीं चला, अगर आपका डिस्टेंस जीरो है तो पक्की बात है डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। ये है ही नहीं, ये तुम्हारा फर्स्ट फ्लोर है ही नहीं, नीचे कोई है ही नहीं, फूलों की दुकान तो ऊपर जोड़ों का मकान नहीं होगा। ठीक है, ओके सर। इफ डिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर डिस्टेंस कुछ है, डिस्टेंस इसमें भी है, हाँ है, डिस्टेंस इसमें भी है, अगर डिस्टेंस है इसमें डिस्प्लेसमेंट है लेकिन इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो क्या बोलोगे? अगर नीचे है तो ऊपर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। डिस्टेंस मे और मे नॉट इक्वल टू जीरो, भाई साहब इसी किताब में इतने डीप में जाके कहीं लिखा है तो बता दो यार, कहीं पढ़ा हो तो बता दो, इतने डीप में जाके कोई बात नहीं करता। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला पढ़ के ना आगे बढ़ जाते हैं लोग, इतने डीप में कहीं बात किया हो तो बता दो। ठीक है, अब देखो डिस्टेंस, अब देखो ये तुम्हारा हो गया। इफ डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट इसमें भी जीरो और इसमें भी जीरो है, दोनों किसमें डिस्प्लेसमेंट जीरो है। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो तो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट जीरो तो डिस्टेंस नहीं है, तो मे आएगा। अगर ये नहीं है तो नीचे हो भी सकता नहीं भी हो सकता, और अगर ये है, ये है, ये है, डिस्प्लेसमेंट है तो देखो डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, यहां पर डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्टेंस भी है। डिस्प्लेसमेंट है मतलब तुम्हारा इनिशियल पोजिशन और फाइनल पोजिशन अलग अलग जगह है, अगर इनिशियल पोजिशन फाइनल पोजिशन अलग अलग जगह है तो कुछ डिस्टेंस तो ट्रेवल किया ही होगा। ये अगर नहीं है तो ऊपर नहीं होगा, ये है तो ऊपर हो सकता है, ये अगर नहीं है, ये नहीं है तो ये हो सकता है, और ये अगर है तो ये होगा ही होगा। अब इसमें जब अचानक से आपके सामने सवाल आएगा तो थोड़ा आप कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन याद रखना नीचे वाला अगर बिल्कुल नहीं है तो ऊपर वाला नहीं होगा, नीचे वाला है तो ऊपर हो सकता है, अगर ऊपर है तो नीचे होगा ही, अगर ऊपर नहीं है तो नीचे हो भी सकता है। अगर तुम्हें समझ आया होगा, और फिजिकल करेक्टनेसनेस और डायमेंशनली करेक्टनेस, क्या बोलते हैं उसको, फिजिकली करेक्ट और डायमेंशनली करेक्ट का कंसेप्ट, यूनिट और यूनिटलेस डायमेंशनलेस वाला कंसेप्ट, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट। अगर समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, नीचे फूलों की दुकान ऊपर जोरों का मकान हो पी एकदम जोरदार चमक, प्लीज एक लाइन लिख दीजिए, अगर आपको समझ में आओगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। ये ऑर्डर है मेरा, अगर तुमको एक ही चीज से चार चीज अगर समझ में आ गई तो लिख तो कमेंट बनता है ना भाई, है ना। आगे देखो, रेस्ट एंड मोशन आर द एब्सोल्यूट टर्म, नहीं ये एब्सोल्यूट नहीं है, रेस्ट एंड मोशन आर द रिलेटिव टर्म, रिलेटिव टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस। डिस्टेंस कैन नॉट बी डिक्रीज विद टाइम, सही है, व्हाइल डिस्प्लेसमेंट कैन डिक्रीज। हाँ मैं ऐसे जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, घूम जाऊंगा, तो डिस्टेंस तो हर कदम में ऐड होता जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, तो ये तो गलत है लेकिन ये सही है। स्टेटमेंट वन इज फॉल्स बट सेकेंड इज ट्रू। आगे देखिए, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। देख देख, अब कर स्क्रीन पॉज, कर स्क्रीन पॉज कर, और तुमसे हो जाए तो बोल देना सर जोरू का मकान फोड़ दिया, एकदम जोरू का मकान फोड़ दिया, अगर हो जाए तो देख, इसी कंसेप्ट को फोड़ के ही तो आगे तुमने सॉल्व कर लिया ना।
स्क्रीन पॉज करके कर, सॉल्व हो जाए तो बोलना जोरू का मकान फोड़ दिया, जोरू का मकान फोड़ दिया। व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो है, दो केस में हो सकता है, या तो ऑब्जेक्ट चला ही नहीं, या चला तो वापस आ गया। डिस्प्लेसमेंट जीरो मतलब ऊपर वाला जीरो, ऊपर नहीं है तो नीचे हो सकता है। डिस्टेंस ट्रेवल कैन नॉट बी जीरो, नहीं हो सकता है, जीरो हो सकता है, गलत है ये। व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो डिस्टेंस ट्रेवल मस्ट बी जीरो, ना ये बोला डिस्टेंस ट्रेवल कैन नॉट बी जीरो, जीरो नहीं हो सकता। अबे डिस्प्लेसमेंट जब जीरो है तो हो सकता है ऑब्जेक्ट चला ही नहीं, तो डिस्टेंस कैन बी जीरो ना, लेकिन कैन नॉट लिखा इसलिए गलत, ये भी गलत। डिस्टेंस ट्रेवल इज जीरो, डिस्टेंस ट्रेवल इज जीरो मतलब नीचे वाला नहीं तो ऊपर नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट मस्ट हैव जीरो वैल्यू, ये सही लग रहा। डिस्टेंस ट्रेवल एंड डिस्प्लेसमेंट आर ऑलवेज इक्वल, नहीं ऑलवेज इक्वल कैसे हो जाएगा, तो सी आंसर आना चाहिए, सी ही है। देख भाई बताओ, एक मिनट स्क्रीन पॉज कर और ये सवाल कर, मैंने बनाया है, अच्छे से इसको अटेम्प्ट करना, बोलना कि एमआरको और जोरो के मकान दोनों को फोड़ दिया, अगर हो जाए तो स्क्रीन पॉज करके कर, एमआरको और जोरो के मकान को दोनों को फोड़, स्क्रीन पॉज करके कर। चल अब सुन, इफ एक्स डिनोटेड द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस, एक्स डिनोटेड द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस, ऊपर डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस, हैव द वैल्यू एक्स एक्स, देन वैल्यू ऑफ एक्स इज 3, ऊपर डिस्प्लेसमेंट और नीचे डिस्टेंस अगर 3 हो गया तो हो ही नहीं सकता, डिस्प्लेसमेंट ज्यादा थोड़ी ना होता है, ये गलत। 6/7 हो सकता है, क्यों, ये डिस्टेंस है, सॉरी ऊपर डिस्प्लेसमेंट है नीचे डिस्टेंस है, तो 6/7 हो सकता है ना, 1 से छोटा है तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस भी 1 से छोटा होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस या तो बराबर हो सकता है या तो डिस्प्लेसमेंट कम होगा, ये कम होगा ये बड़ा होगा, तो ये तो सही चलेगा और बराबर भी हो सकता है, तो डी आंसर आना चाहिए, बोथ बी एंड सी। देख डी आगे आंसर, आगे देख, रामलाल मूव्स इन ईस्ट, देख ये सवाल बहुत कॉमन है, पहले भी किया होगा, बस मैं रिवीजन के लिए बेसिक चीज थोड़ा याद दिलाने के लिए कराता हूँ। रामलाल मूव्स 10 मीटर इन ईस्ट, तो 10 i कैप, अगर ईस्ट को i कैप मान लिया, नॉर्थ में गया है तो 10 मीटर j कैप, और 10 क्लाइम अप और 10 मीटर ऑन पोल, तो 10 k कैप, i कैप j कैप k कैप, ऐसा आएगा क्या, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है सर, स्ट्रेट लाइन कनेक्टेड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजिशन, तुम ऐसे गए यहाँ पहुंचे तो हम तो सीधा लाइन से मिला देंगे, तो सर ये तो ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज जैसा हो गया, हाँ तो उसी के हाइपोटेन्यूज के मैग्नीट्यूड की तरह ही इसका डिस्प्लेसमेंट निकलता है, तो क्या हो जाएगा, 10√3 हो जाएगा, 10√3 हो जाएगा, क्लियर है क्या। एक चीज और, एक चीज और, मैट्रिक्स मैच बनाए, ये सिचुएशन लिखा है और ये रिलेशन लिखा है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, इसको मैच कराना है, स्क्रीन पॉज करके करो, मजा आ जाएगा करने में, मजा आ जाएगा करने में, मजा आ जाएगा करने में, स्क्रीन पॉज करके करिए, स्क्रीन पॉज करके कहिए, पॉज करिए, स्क्रीन पॉज करिए, अटेम्प्ट। अब देखिए, ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ऑब्जेक्ट एक लाइन पे चल रहा है, तो इसमें से कौन सा रिलेशन सी होगा, ए बी सी डी बताइए। तो ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ऑब्जेक्ट एक लाइन पे चल रहा है, तो ये तो नहीं बोला कि डायरेक्शन चेंज होगा कि नहीं होगा, सर एक लाइन पे चल रहा है तो डायरेक्शन कैसे चेंज होगा, होगा ना, देखो तो ऐसा भी तो हो सकता है सीधा ही चला जाए, हाँ सीधा भी चला जाए, ऐसा भी हो सकता है, इसमें दोनों पॉसिबिलिटी आ गई, ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, सिर्फ इतना लिखा है, हो सकता है डायरेक्शन चेंज बिल्कुल ना हो, स्ट्रेट लाइन पे सीधा चला जाए, हो सकता है डायरेक्शन चेंज हो, स्ट्रेट लाइन पे चलते चलते पीछे घूम जाए, इसका सही रिलेशन होगा चौथा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल और मे बी डिस्टेंस ग्रेटर देन, इसका होगा बेटा फोर्थ, पहले का फोर्थ, ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ऑन स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंज इन डायरेक्शन, अब देख यहां बोला विदाउट चेंज इन डायरेक्शन, तो पक्की बात है इसका सी होगा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल सेम होगा, ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड अप फ्रॉम ग्राउंड, इसके लिए कौन सा सही होगा, थर्ड के लिए, ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड अप फ्रॉम द ग्राउंड, अगर ऑब्जेक्ट को तुम ग्राउंड से ऊपर फेंके हो, है ना, जनरल वेलोसिटी इज लेस देन एस्केप वेलोसिटी, ये दे दिया कंडीशन, वैसे ना भी दिया हो तो मोशन अंडर ग्रेविटी में मान के चलते, तो अगर आपने ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका है और इस वेलोसिटी आपकी एस्केप वेलोसिटी से कम है, तो पक्की बात है कि डायरेक्शन तो कभी ना कभी जाके चेंज होगी, हो भी सकता है कि डायरेक्शन चेंज होने से पहले इंटरवल की बात कर रहे हो, ऑब्जेक्ट इज मूविंग अपवर्ड फ्रॉम ग्राउंड, तो इसके लिए कौन सा तुम रिलेशन लिखोगे, इसके लिए रिलेशन कौन सा लिखेंगे, ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड फ्रॉम ग्राउंड, तो इसके लिए रिलेशन जनरलाइज ये हो जाएगा, क्योंकि हमने बात नहीं करी कि कब से कंप्लीट जर्नी की बात कर रही है, कि किसी भी दो पॉइंट में यू टर्न ऊपर मैक्सिमम हाइट से पहले की बात की है, मैक्सिमम हाइट के बाद की बात की है, तो जनरलाइज रिलेशन हो जाएगा, ये क्या होगा, जनरलाइज रिलेशन हो जाएगा, मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, अगर सर्कुलर पाथ पे चलो डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रहा है, तो किसी भी दो पॉइंट के बीच में हमेशा डिस्टेंस ज्यादा ही होगा, ए नहीं होगा कभी, नहीं ए डिस्प्लेसमेंट बड़ा है तो ये तो कभी नेवर करेक्ट हो जाए,
ये क्या हो जाएगा, नेवर करेक्ट। तो पहले का डी, पहले का डी, दूसरे का बोला डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा तो सी, दूसरे का सी, तीसरे का ऊपर फेंका है टाइम नहीं बताया है, तो ऊपर फेंक के मैक्सिमम हाइट से पहले तक का दो टाइम ले लो और फेंकने और यू टर्न लेने के बाद का टाइम ले लो, तो ये जनरलाइज आ जाएगा। और मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ में डिस्टेंस हमेशा ज्यादा ही होता है डिस्प्लेसमेंट। अब बताओ अगर तुम कर पाए या नहीं कर पाए, अगर दिल खुश हुआ तो लिख दो सर हैप्पी एंडिंग विथ पीएचडी इन फिजिक्स। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का एकदम एकदम चेहरे पे स्माइल के साथ खत्म हुआ ये, है ना, पीएचडी इन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट खत्म हुआ। अब आओ आगे बात करते हैं एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी की जब आप बात करोगे, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी की बात करोगे, तो हमेशा ध्यान रखना कि एवरेज वेलोसिटी होता है बेटा टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, और एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल डिस्प्लेसमेंट। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल डिस्प्लेसमेंट, और एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। इसमें किसी इंस्टेंट से हमें कोई मतलब नहीं होता। जब हम एवरेज की बात करते हैं तो एक डेल्टा टी में डिफाइन होता है, ये डेल्टा टी इंटरवल में डिफाइन होता है। एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है ना। अब यहां पे देखिए, अगर आपने सेम टाइम इंटरवल की बात करी कि सेम टाइम टी तक उसकी स्पीड वी वन है और अगले नेक्स्ट टी टाइम तक उसकी स्पीड वी टू है, ठीक है ना, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा टोटल जर्नी का। तो हम बोलेंगे कि टोटल जर्नी का जो एवरेज स्पीड हो जाएगा, अगर वी वन स्पीड से चल रहा है टी वन टाइम तक तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, वी वन टी वन, और वी टू स्पीड से चल रहा है टी टू टाइम तक तो वी टू टी टू डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। अगर टाइम इंटरवल यहाँ पे सेम रख दोगे, यहाँ से ऊपर जा रहे हैं, पहले ये समझा टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, अगर टाइम मैंने सेम रख दिया टी वन बराबर टी टू बराबर टी, तो बनेगा टू टी, और यहाँ से टी कॉमन निकल गया तो वी वन प्लस वी टू बाई टू, ये आता है एवरेज स्पीड इक्वल टाइम इंटरवल के लिए। और इक्वल टाइम इंटरवल अगर तीन पार्ट में है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एवरेज स्पीड बेटा आ जाएगा वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री बाई थ्री, सिंपल मीन होता है ना, सिंपल मीन होता है। अगर इक्वल डिस्टेंस इंटरवल हो तो, इक्वल डिस्टेंस इंटरवल मतलब पहले एक्स डिस्टेंस तक उसकी स्पीड है वी वन, फिर अगले सेम इक्वल डिस्टेंस तक उसकी स्पीड है वी टू, इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस एक्स प्लस एक्स, या मान लो पहले डिस्टेंस एक्स वन और एक्स टू, तो टोटल डिस्टेंस हो गया एक्स वन प्लस एक्स टू, बट टोटल टाइम हो जाएगा v1 by x1 plus v2 by x2। देखो टोटल डिस्टेंस x1 plus x2, टोटल टाइम हो जाएगा x1 by v1, सॉरी डिस्टेंस अपन स्पीड टाइम होता है, x1 by v1 plus x2 by v2। यहां पे अगर इक्वल डिस्टेंस इंटरवल है x1 बराबर x2 बराबर x लिख दोगे तो ये आता है 2v1 v2 बटा v1 plus v2। जेई मेन में हर साल दो सवाल इससे पूछा जाता है, नीट में पिछले 10 साल में तीन बार इससे सवाल पूछा इक्वल डिस्टेंस इंटरवल। जैसे मान लो मैं बोलूं कि ऑब्जेक्ट 5 किलोमीटर तक 10 मीटर पर सेकंड से चला है, समझे क्या, हाँ, नेक्स्ट 5 किलोमीटर तक 20 मीटर पर सेकंड से चला है, तो एवरेज वेलोसिटी बताइए, सेम डायरेक्शन में चला है, सेम डायरेक्शन अगर सेम डायरेक्शन में चला है तो एवरेज वेलोसिटी बताइए, सेम डायरेक्शन में चला तो टोटल डिस्टेंस टोटल डिस्प्लेसमेंट सेम ही होगा, हाँ, क्या पहला जो 5 किलोमीटर है उसमें स्पीड है 10, हाँ, दूसरा सेम इक्वल डिस्टेंस इंटरवल है 5 किलोमीटर ही उसमें स्पीड है 20, तो हम लिखेंगे 2 v1 v2 बटा v1 प्लस v2, 10 गुना 20 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 10, तो ये हो जाएगा 2 गुना 200 बटा 20 10 30, ये आ गया, ये इससे कट जाएगा और 20 गुना 40 बटा 3 मीटर पर सेकंड आपका आंसर है। अच्छा, स्पीड अगर कहीं आपको किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है तो उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकेंड में आप निकाल सकते हैं, क्लियर है क्या ये बात, हाँ सर ये बात हमें समझ में आता है। अच्छा, इक्वल डिस्टेंस इंटरवल अगर तीन पाथ में, कि मान लो पहला x डिस्टेंस फिर दूसरा x डिस्टेंस और तीसरा x डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस इंटरवल में स्पीड v1 v2 v3 है, तो v एवरेज क्या हो जाएगा, v एवरेज होता है 3 v1 v2 v3 डिवाइडेड बाई दो दो का पेयर v1 v2 v2 v3 v3 v1, इस तरीके से हम लिखते हैं, डायमेंशनली भी ये बिल्कुल करेक्ट है, क्लियर है क्या। अब सवाल देखिए, इंस्टेंटेनियस स्पीड देखेंगे तो इंस्टेंटेनियस स्पीड है रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर मुझे इंस्टेंटेनियस स्पीड पता है और एवरेज निकालना है, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड अगर मुझे पता और एवरेज निकालना है तो एस एवरेज होगा
एस एवरेज लिखो यहाँ पे, एस एवरेज होगा इंटीग्रेशन ऑफ स्पीड इंटू डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, ठीक है ना, एवरेज स्पीड होता है, देखो ये रहा एवरेज स्पीड, एस डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। एवरेज वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, सॉरी सर वेलोसिटी क्या होगा, जैसे थोड़ा रुको दो मिनट, बहुत जल्दी भागने से नहीं होगा। जैसे हम बोलते हैं स्पीड, तो स्पीड का मतलब पता है बेटा क्या होता है, हाउ फास्ट ऑब्जेक्ट कितना तेज चल रहा है, और सिर्फ अगर स्पीड लिखा हो तो समझना ये इंस्टेंटेनियस है, ठीक है, तो कितना ऑब्जेक्ट तेज भाग रहा है ना उसी को स्पीड कहते हैं। और वेलोसिटी होता है कौन सी वेलोसिटी, सिर्फ वेलोसिटी लिखी रही होगी तो हम इंस्टेंटेनियस मानेंगे, ये होता है हाउ फास्ट, पर दोनों तो एक ही बात हो गया। हाँ इसीलिए हम किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी और स्पीड की वैल्यू सेम होती है इंस्टेंटेनियसली। सर किसी भी इंस्टेंट पे एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड की वैल्यू सेम नहीं होगी, सबसे पहली बात एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड किसी इंस्टेंट पे डिफाइन नहीं होता, इंटरवल में डिफाइन, समझ गया। तो स्पीड होता है हाउ फास्ट, वेलोसिटी भी होता है हाउ फास्ट, लेकिन वेलोसिटी में एक एक्स्ट्रा चीज होती है, कहां भाग रहा है उतने तेजी से, हाउ फास्ट एंड वेयर इज वेलोसिटी एंड हाउ फास्ट इज स्पीड। और किसी भी इंस्टेंट पे ऑब्जेक्ट कितना तेज चल रहा है और कितना तेज कहां चल रहा है, दोनों बातें की मैग्नीट्यूड तो बराबर होगी, ठीक है ना। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी को, सॉरी रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन को हम कहते हैं वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी अगर निकालना है तो इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ कर दो। रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज स्लोप किसी भी इंस्टेंट पे डिफरेंशिएट करोगे तो तुम्हें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेगा, और डिफरेंशिएशन से स्लोप मिलता है। इंस्टेंटेनियस स्पीड इनटू डायरेक्शन को ही वेलोसिटी कहते हैं, बिल्कुल सही कहते हैं। हाउ फास्ट एंड वेयर, सर्कुलर पाथवे जो एवरेज वेलोसिटी होता है थीटा एंगल चलने पर, सर्कुलर पाथ पे थीटा एंगल पे चलने पे जो एवरेज वेलोसिटी होता है वी साइन थीटा बाई टू डिवाइडेड बाई थीटा बाई टू। याद रखना कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, अगर उसने 120 डिग्री का एंगल ट्रेवल किया है, कहाँ कितने का, 120 डिग्री का, एवरेज स्पीड बता 120 डिग्री में क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी सॉरी एवरेज स्पीड तो वही 10 मीटर पर सेकंड रहेगा एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो एवरेज स्पीड वही रह जाएगा। एवरेज वेलोसिटी बताओ तो वी एवरेज होगा 10 इंटू साइन 120 बाई 2 डिवाइडेड बाई 120 मतलब कितना है 2 पाई बाई 3 मल्टीप्लाई 2, यहां से निकालेंगे आप एवरेज, ठीक है। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में रिलेशन देखोगे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन जो होता है वही रिलेशन आएगा, क्यों, क्योंकि किसी इंटरवल में हो सकता है डायरेक्शन चेंज ना हो, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा, तो एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी बराबर होगा। लेकिन मान लो उसी इंटरवल में डिस्टेंस ज्यादा है तो एवरेज स्पीड ज्यादा होगा, ठीक है। अच्छा इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमेशा क्या रहता है, बराबर रहता है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड हमेशा क्या रहता है, बराबर रहता है। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, देखो यूनिफॉर्म मोशन मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी को यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। यूनिफॉर्म मोशन बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन। देखो वेलोसिटी में दो चीजें हैं बेटा, वेलोसिटी में दो चीजें हैं, कितना तेज ऑब्जेक्ट चल रहा है और कहां चल रहा है। और मैं कहता हूं यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटी यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब यह कि डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। वेलोसिटी यूनिफॉर्म मतलब स्पीड और डायरेक्शन दोनों यूनिफॉर्म, अगर कांस्टेंट स्पीड से बॉडी डायरेक्शन चेंज कर लिया तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, स्पीड और डायरेक्शन में से कोई भी एक चीज बदल जाए तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और सर वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन क्या होगा, जीरो, तो यूनिफॉर्म मोशन में एक्सीलरेशन जीरो होना चाहिए। एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बराबर होगा क्योंकि वेलोसिटी बदल ही नहीं रहा है, और अगर यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है तो स्ट्रेट लाइन पे पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि अगर कर्व हुआ तो डायरेक्शन चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज होगी, मोशन यूनिफॉर्म पॉसिबल नहीं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसको कहते हैं, तो या तो स्पीड या डायरेक्शन दोनों में से कोई कुछ भी चेंज हो जाए उसको हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म होना चाहिए, एक्सीलरेशन कुछ आ जाएगा। वेलोसिटी कैन बी चेंजिंग बाय चेंजिंग स्पीड और डायरेक्शन और दोनों इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। स्पीड में कॉन्स्टेंट, स्पीड कैसे कॉन्स्टेंट होगा, क्योंकि वेलोसिटी तो डायरेक्शन से भी बदल सकती है ना, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी वेरिएबल होना चाहिए, स्पीड कांस्टेंट हो सकता है। वेलोसिटी वेरिएबल कैसे हो जाएगा, डायरेक्शन बदल के, कैसे हो जाएगा बेटा, डायरेक्शन बदल के। अब ये दिमाग वाले सवाल है, ये बहुत आम बच्चों वाला सवाल नहीं है, और जनरली ना तो किसी किताब में ना ही टीचर एक्सप्लेन करने की हिम्मत करता है, क्यों, कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग क्यों है, क्योंकि हम तो स्पीड एंड वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ के काम चला, काम चल भी जाएगा, लेकिन बहुत अच्छे सवाल में कंफ्यूजन रहेगा, तो थोड़ा इस पर प्रकाश डालते हैं। वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, अगर मेरा वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म होने का मतलब पूरा सर्वे सर्वा मोशन यूनिफॉर्म है। मोशन यूनिफॉर्म है ना तो डायरेक्शन चेंज हो रही है ना स्पीड चेंज हो रही है,
अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो स्पीड मस्ट बी यूनिफॉर्म, क्या फील है इस बात का? वेलोसिटी इज वेरिएबल, अगर वेलोसिटी बदल रहा है तो स्पीड के बारे में क्या कहोगे? सर वेलोसिटी दो तरीके से बदल सकता है, डायरेक्शन बदलने से, तो स्पीड में और में नॉट बी वेरिएबल, कितनी अच्छी बात है। स्पीड इज यूनिफॉर्म, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, क्योंकि डायरेक्शन वेलोसिटी में वेरिएबल, देखो डायरेक्शन से बदल सकता है, रीजन भी लिखा, डायरेक्शन का नहीं पता। स्पीड इज वेरिएबल, अगर स्पीड बदल रहा है तो वेलोसिटी बदलेगा ही, और कैसे? वेलोसिटी बराबर होता है, वेलोसिटी बराबर होता है स्पीड इनटू डायरेक्शन। अगर मैंने बोल दिया ना बेटा कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, मोशन यूनिफॉर्म होगा, मतलब स्पीड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट होना चाहिए। लेकिन अगर मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि स्पीड कांस्टेंट है तो डायरेक्शन के बारे में नहीं बता रहा ना। स्पीड कांस्टेंट है तो वेलोसिटी वेरिएबल हो सकता है, स्पीड इज वेरिएबल, अगर स्पीड वेरिएबल है तो क्या कहोगे? स्पीड वेरिएबल है तो वेलोसिटी तो बदल ही गया ना, क्योंकि स्पीड के बदलने से वेलोसिटी तो बदल ही जाएगा। ऐसा नहीं कि ये बढ़ रहा हो डायरेक्शन घट रहा हो, नहीं, डायरेक्शन एक होती है, उसका कोई वैल्यू नहीं होता, दो ईस्ट, चार ईस्ट, दस ईस्ट, ऐसा नहीं होता। अगर ईस्ट है तो ईस्ट है, फिर वेस्ट है तो वेस्ट है, साउथ है तो साउथ है। तो ऐसा नहीं कि स्पीड बढ़ रहा डायरेक्शन घट रहा और वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए। हाँ, ये दो चीज़ों से मिलके बना है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को कंपनसेट नहीं कर सकते। अगर मैंने बोल दिया ये बदल रहा है तो ये बदलेगा ही, ये बदलेगा ही। इफ एवरेज वेलोसिटी इज जीरो, देन एवरेज स्पीड मे और मे नॉट बी जीरो। एवरेज वेलोसिटी जीरो, एवरेज वेलोसिटी जीरो का मतलब है डिस्प्लेसमेंट जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो का दो केस हो गया, ऑब्जेक्ट चला ही नहीं, या चला तो वापस आ गया। देखो दो केस हुआ कि नहीं हुआ, हाँ, इसलिए मे आ जाएगा। एवरेज स्पीड इज जीरो, अगर एवरेज स्पीड कहीं जीरो है, मतलब डिस्टेंस जीरो है, डिस्टेंस जीरो तो ऑब्जेक्ट चला ही नहीं होगा, देन एवरेज वेलोसिटी मस्ट बी जीरो। मतलब एक सुकून मिलता है इसको समझ के कि भाई साहब इतना डीप अंडरस्टैंडिंग हमें है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी का। ये रिलेशन समझो कि एवरेज स्पीड बराबर होता है एवरेज वेलोसिटी के, नहीं, कभी भी नहीं, जनरलाइज ये नहीं है। हाँ, अगर बॉडी 1D में चल रहा है विदाउट चेंज इन डायरेक्शन, सीधा चल रहा है हमेशा विदाउट चेंज इन डायरेक्शन, तो ये सही हो जाएगा, विदाउट चेंज इन डायरेक्शन, विदाउट चेंज इन डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन चेंज हुआ तो एवरेज स्पीड ज्यादा होगा, और जनरलाइज ये ज्यादा होगा कि एवरेज स्पीड ग्रेटर देन और इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। जनरलाइज अगर बोले कि मोशन हो रहा है तो ये सही है, प्रोजेक्टाइल के लिए सही है, सर्कुलर के लिए सही है, 1D के लिए सही है, तो ये 1D लिखे, प्रोजेक्टाइल लिखे, सर्कुलर लिखे, तो ये सही है। बोले कि डायरेक्शन चेंज हुआ ही है तो एवरेज स्पीड ज्यादा होगा ही, और बोले कि डायरेक्शन चेंज बिल्कुल नहीं हुआ है तो एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी बराबर होगा। इसको एवरेज वेलोसिटी को डिस्टेंस से और एवरेज एवरेज वेलोसिटी को डिस्टेंस से और एवरेज सॉरी एवरेज स्पीड को डिस्टेंस से और एवरेज वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट से कंपेयर करना है। क्लियर है क्या ये बात? क्लियर है क्या बात? अब नेक्स्ट देखिए, ऑब्जेक्ट मूव्स 5 किलोमीटर विद स्पीड 10 मीटर पर सेकंड एंड अनदर 10 किलोमीटर विद स्पीड 5 मीटर पर सेकंड। बताओ इसमें से कौन सा लगेगा? अगर इक्वल टाइम इंटरवल रहता है तो वी ये लग जाता है, हाँ, और अगर इक्वल डिस्टेंस इंटरवल रहता है तो ये लग जाता है। बताओ कौन सा लगेगा? V1 प्लस V2 को बताओ कौन सा लगेगा? दोनों में से कौन सा भी नहीं लगेगा, ना तो इक्वल डिस्टेंस इंटरवल है ना इक्वल टाइम इंटरवल। ऐसा नहीं पूछेगा, ये अपर लेवल हो गया। लेकिन ये वाले आप अच्छे से याद रखिए, इक्वल डिस्टेंस में इक्वल टाइम। अब देखो, ऑब्जेक्ट मूव्स 5 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर टोटल चला है 10 मीटर पर सेकंड से, और फिर 10 किलोमीटर चला है, इक्वल डिस्टेंस का हो गया, अलग अलग डिस्टेंस हो गया, विद स्पीड 5 मीटर पर सेकंड, और यह तुम्हारी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड। अब क्या करोगे? हम लिखेंगे एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस हो गया 15 किलोमीटर बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस बताओ सर, 500 मीटर, 5 किलोमीटर मतलब 5000 मीटर, इसको 15 किलोमीटर है ना, 15 गुना 1000, 1, 2, 3, 15000 मीटर, 5000 बटा स्पीड 10 प्लस 10000, 10 किलोमीटर को बताए स्पीड 5। अब यहाँ से सॉल्व करके निकालेंगे, इसका आंसर आपका होमवर्क में लिखा। नेक्स्ट, बॉडी मूव्स विद स्पीड V1, V2 एंड V3 अलोंग द लाइन सेगमेंट AB, BC एंड CD। ये तीन सेगमेंट है, स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, ये AB है, ये BC है, CD है। AB बराबर BC, मतलब ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, मतलब इक्वल डिस्टेंस इंटरवल हो गया ये दोनों। एंड AD बराबर 3 AB, ये AD है वो इसका 3 गुना है, तो ये बराबर है इसका, ये 3 गुना है भाई, ये भी तो बराबर ही हो गया। और कैसे नहीं समझ में आया? बाप रे बाप, बुरा सा तो समझ, इसी में खेल जाएगा फिर तो। सर कैसे? एक बार और बता दो ना। अच्छा, मान ले ये पूरा लेंथ तेरा है
वाई, चलो वाई मान ले। तो अगर ए डी तेरा वाई है तो बराबर थ्री इंटू ए बी, ए बी बता क्या हो गया वाई बाई थ्री, सर वाई बाई थ्री, ये क्या होगा वाई बाई थ्री, इसको एक्स मान ले, चल नहीं पता तो वाई बाई थ्री प्लस वाई बाई थ्री प्लस एक्स बराबर वाई, एक्स बराबर यहाँ से सॉल्व कर ले, वाई बाई थ्री, वाई बाई थ्री टू वाई बाई थ्री, मैं तो तीन एलसीएम लेंगे, थ्री वाई माइनस टू वाई, वाई बाई थ्री आ गया, मतलब इक्वल डिस्टेंस इंटरवल है। तो तीन इक्वल डिस्टेंस इंटरवल के लिए कौन सा सही होगा, ये इक्वल टाइम के लिए सही होता है, अभी पढ़ा तूने। अच्छा स्पीड प्लस स्पीड प्लस स्पीड बराबर ऊपर स्पीड बनेगा, स्पीड और नीचे स्पीड का क्यू, ये डायमेंशनली गलत है, इक्वल टाइम के लिए होता है। अब कौन सा सही होगा इसमें, ये वाला अभी अभी हमने पढ़ा है, ये नीचे तीन का फैक्टर आता नहीं, खत्म, कोई बात ही नहीं इसमें। आगे देखो, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। देखो ये हम आगे पढ़ेंगे, अभी मैं तुम्हें नाली मेथड पढ़ाऊंगा, मजा आ जाएगा। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है ना, वो डिस्प्लेसमेंट बताता है, डिस्टेंस नहीं बताता, गलत है। एरिया अंडर द एरिया अंडर एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, ये सही है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स एंड सेकेंड इज ट्रू, ये भी बताऊंगा, नाली कंसेप्ट में हमें ये पढ़ना है, हम नाली कंसेप्ट में इसको पढ़ेंगे। तो एक काम करते हैं, इसको नाली कंसेप्ट के बाद लगा देते हैं, तो क्या होगा हमारा रिवीजन हो जाएगा। नाली 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 कंसेप्ट, नाली कंसेप्ट आता है ये। चलो नेक्स्ट देखो, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड ऑन ए स्क्वायर पाथ देन मैच कॉलम वन एंड टू। देखो एक ऑब्जेक्ट है और वो कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर स्क्वायर पाथ पे चल रहा है, ए से कहीं बी पे गया, बी से उसी स्पीड से सी पे गया, सी से उसी स्पीड से डी पे गया, डी से यहाँ आया। तो बोला है कि एवरेज वेलोसिटी बिटवीन ए एंड डी, तो ए एंड डी का एवरेज वेलोसिटी, तो ए से डी का एवरेज वेलोसिटी मतलब यहां पहुंचा है, ए से डी का एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट, ए टू डी टोटल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ 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 गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो यही हुआ, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट को मिलाएंगे, बट टाइम कितना हुआ, तो टाइम हो जाएगा कॉन्स्टेंट स्पीड वी से चल रहा है, तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये एल 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 थ्री एल बटा स्पीड वी, एल से एल कट जाएगा, वी बाई थ्री आ जाएगा, वी बाई थ्री, पहले का तो सी आ रहा था, पहले का सी मतलब ये दोनों गलत हो गया, पहले का सी। उसके बाद एवरेज वेलोसिटी विद फॉर ए टू बी, ए से बी का एवरेज वेलोसिटी सेम ही डायरेक्शन में चल रहा है, एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड होगा, स्पीड कांस्टेंट है तो वी ही आंसर आएगा, तो मेरे हिसाब से एवरेज वेलोसिटी ए टू बी बी ही जाएगा, सेकंड का बी होना चाहिए, देखो दोनों में सेकंड का बी है, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी फॉर ए सी, ए सी ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एवरेज स्पीड फॉर द पार्टिकल ऑन रिटर्निंग ए टू ए, तो एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी नहीं पूछा, एवरेज स्पीड, तो अगर स्पीड कांस्टेंट है तो एवरेज स्पीड इंस्टेंटेनियस बराबर होता है, तो इसका मेरे हिसाब से आएगा बी, चौथे का बी, चौथे का बी है, दोनों ऑप्शन सेम ही हो गए रे, क्या भांग खा के बनाया है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, सी बी ए बी, सी बी ए बी, तो दोनों जो दो जो टिक करना कर लो, एक ही ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट देखो, कार रन्स एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 100 मीटर टेकिंग इतना सेकेंड फॉर एवरी सर्कुलर लेंथ देन एवरेज स्पीड फॉर द हाफ सर्कुलर लेंथ इज। अच्छा क्या तुमको याद आ रहा है कि ये पी वाई क्यू है, कितने लोगों को एक ही सेकंड में देख के आया याद आया पी वाई क्यू है, हाँ यह था 62, हाँ सर्कुलर 62 पी वाई क्यू नहीं है, मिला के देख ले सर, ऐसा ही कुछ था, ये तो मेहनत है, बदल दिया सवाल को, करने थे ना एकदम पी वाई क्यू जैसे इजी, पी वाई क्यू में ऐसा सवाल आए हैं लेकिन एग्जैक्टली पी वाई क्यू नहीं है, मिला के देख ले, तुमको याद नहीं आ रहा, मिला के देख, और मिल ना मिले ना तो बता देना सर ये पी वाई क्यू लगा लेकिन है नहीं, एक कमेंट से तुम्हारा 4 घंटा खराब नहीं होगा, करना। कार रन्स एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस इतना मीटर टेकिंग अ इतना सेकंड फॉर एवरी सर्कुलर लैप देन एवरेज स्पीड फॉर द हाफ सर्कुलर लैप इज, तो यहां से यहां पे गया है और ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो हाफ सर्कुलर लैप में जो एवरेज स्पीड होगा वो इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है और कोई चीज कांस्टेंट होता तो एवरेज इंस्टेंटेनियस बराबर होता है। कार रन्स एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ इतना मीटर टेकिंग इतना सेकंड then for every circular lap then average speed for the half circular lap is, तो average speed में मैं वही लेना है जो speed है, instant speed क्या होगा, total distance by time, total distance by time, तो total distance बोलो तो 2 pi r एक circular path का, time बोलो 62.8 second, 2 pi r की value कितनी 100 meter, 100 divided by 62.8 3.12 आएगा, 2 into 3.14 मल्टीप्लाई 100 बटा 62.8, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, सॉल्व कर लो क्या आ रहा है, 6 3 दूना 6
6.28 आ रहा है ये, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 62.8 मल्टीप्लाई 100, तो इससे काटोगे 100 मतलब इतना आ गया, और इससे काटो 10 आंसर आ रहा है, 10 मीटर पर सेकंड आंसर। ए इज योर करेक्ट आंसर, यहाँ पे आंसर होगा शायद ए है, ए इज करेक्ट आंसर, 10 आ रहा है आंसर। बताओ कैसा लगा सवाल करके? लगा ये तो बहुत आसान है, लेकिन दिमाग लगाना पड़ेगा। एवरेज वेलोसिटी नहीं पूछी, एवरेज स्पीड पूछी है, और एवरेज स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर होगा, और वो इंस्टेंटेनियस स्पीड हमें निकालना पड़ा। मजा आ गया। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी। अब चेंज इन वेलोसिटी दो इंटरवल में देखते हैं, सॉरी दो तरीके से देखते हैं, किसी इंस्टेंट पे और किसी इंटरवल। वेलोसिटी का चेंज होना एक्सेलरेशन होता है? ना ना, वेलोसिटी का चेंज होना एक्सेलरेशन नहीं होता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता है। मतलब कितना वेलोसिटी चेंज हुआ है और कितना टाइम लगा, तो ये हो गया तेरा एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन। और एक होता है इंस्टेंटेनियस, जो होता है सिंपल डीवी बाई डीटी, ये बताता है कि वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रहा है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और ये बताता है किसी इंटरवल में डेल्टा टी में कितनी वेलोसिटी चेंज हो। ये मोशन का फील नहीं है, ये वेलोसिटी में चेंज का फील है, ये वेलोसिटी में चेंज का फील है। ऐसा भी हो सकता है वेलोसिटी बढ़ रहा हो एक्सेलरेशन घट रहा हो, हाँ हो सकता है। जैसे मान लो अभी वेलोसिटी तुम्हारी जीरो है, एक सेकेंड के बाद वेलोसिटी हो गई 20, फिर हो गई वेलोसिटी क्या हो गया, मैंने क्या बोला, वेलोसिटी बढ़ रही हो और एक्सेलरेशन घट रही हो, हाँ ये हो गया तुम्हारा 30, फिर हो गया तुम्हारा 35, फिर हो गया तुम्हारा 38, और ये टाइम है 1 सेकेंड, सॉरी ये टाइम है जीरो स्टार्टिंग का टाइम है, ये है 1 सेकेंड, ये है 2 सेकेंड, ये है 3 सेकेंड, और ये है 4 सेकेंड। अब मुझे ये देख के बताओ यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा चेंज इन वेलोसिटी 20 माइनस 0, 20 बटा 1, यहाँ पे एक्सेलरेशन 20 आएगा। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा सर? एक्सेलरेशन होगा चेंज इन वेलोसिटी 30 में से 20 जाएगा 10, और टाइम 1 सेकेंड से 2 सेकेंड, 1 सेकेंड, तो 10 आएगा। यहाँ पे क्या होगा सर? यहाँ पे देख लो 5 आएगा। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे 3 आएगा। तो लगातार एक्सेलरेशन 20 से 10 से 5 से 3, एक्सेलरेशन घट रहा है और वेलोसिटी बढ़ रहा है। एनी पॉसिबल रिलेशन बिटवीन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज पॉसिबल। हर इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन क्या है? घटता हुआ, 20 से 10, 5, 3 हुआ, और वेलोसिटी 0 से 20 से 30 से 35 हुआ। तो कोई वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में कोई रिलेशन नहीं होता, रिलेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में। अगर तुम्हारा वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन पक्का 0 होगा, अगर वेलोसिटी वेरी कर रहा है तो एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन बढ़ रहा है तो हो सकता है वेलोसिटी घट रहा हो, एक्सेलरेशन घट रहा है हो सकता है वेलोसिटी बढ़ रहा हो, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो हो सकता है वेलोसिटी पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कुछ भी हो सकता है, इतना याद रखना। एक्सेलरेशन अपोजिट टू द मोशन इज रिटार्डेशन। अगर एक्सेलरेशन तुम्हारा मोशन के अपोजिट है, एक्सेलरेशन मान ले कि आगे है और मोशन पीछे है, तो रिटार्डेशन का पार्ट होगा, और रिटार्डेशन में स्पीड कम होता है। निगेटिव एक्सेलरेशन डज नॉट मीन रिटार्डेशन, रिटार्डेशन में भी पॉजिटिव और निगेटिव बिल्कुल, क्योंकि मान लो ऑब्जेक्ट अगर आगे जा रहा और एक्सेलरेशन तुम्हारा पीछे है, वेलोसिटी आगे की वजह से पॉजिटिव, एक्सेलरेशन निगेटिव, ये रिटार्डेशन होगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है मान लो ऑब्जेक्ट पीछे जा रहा तो वेलोसिटी निगेटिव और आगे एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन भी रिटार्डेशन का रोल प्ले करता है। रिटार्डेशन मतलब स्पीड कम करना, स्पीड तभी कम होता है जब एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपोजिट होते हैं। एक्सेलरेशन एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, चेंज इन डायरेक्शन की तरफ इसका डायरेक्शन होता है। इंस्टेंटेनियस देखो डीवी बाई डीटी या वी इंटू डीवी बाई डीएक्स या डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन, ये तीन फॉर्मूला है। डीवी बाई डीटी कर दो या वी को रखोगे डीएक्स बाई डीटी, तो डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन को एक्सेलरेशन कहते हैं, या सिंगल डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी को एक्सेलरेशन कहते हैं, या वी इंटू डीवी बाई डीएक्स। अगर वेलोसिटी एक्स का फंक्शन है तो वी इंटू डीवी बाई डीएक्स निकालेंगे। एवरेज एक्सेलरेशन मतलब वी टू माइनस वी वन बाई डेल्टा टी, एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन कर दो और इस टाइम का इंटीग्रेशन से डिवाइड कर दो, एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगा। डी बाई डी टी क्या देता है? द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। डी बाई डी टी क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। मॉड ऑफ डी बाई डी टी क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। ये मॉड ऑफ डी बाई डी टी मतलब डी बाई डी टी एक्सेलरेशन हो गया, उसका मॉड ले लिया, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। अगर मैं वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लूं, इसको डिफरेंशिएट कर दूं, तो ये क्या होगा सर? वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन नहीं है, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड का डिफरेंशिएशन, इसको कहते हैं द रेट ऑफ चेंज इन स्पीड। वो दिखा द रेट ऑफ चेंज इन स्पीड, रेट ऑफ चेंज इन स्पीड, ये क्या है? द रेट ऑफ चेंज इन स्पीड, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को बताता है। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होता है, अगर एक्सेलरेशन तुम्हारा वेलोसिटी के अलोंग हो या तुम्हारा वेलोसिटी के एग्जैक्टली एंटी पैरेलल, उसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं। और ये इसके इफेक्ट पे फर्क डालता है, इसके स्पीड पे फर्क डालता है। अगर एटी और वी पैरेलल है तो इसका स्पीड बढ़ेगा, और एटी और वी एंटी पैरेलल है तो स्पीड घटेगा। और अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है तो सिर्फ डायरेक्शन चेंज करेगा, जो कि हमने यहाँ पे पढ़ा अभी। देखिए अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एंटी पैरेलल है, एक्जैक्टली वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में 180 डिग्री का डायरेक्शन है, तो पक्की बात है ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है और ये रिटार्डेशन का रोल प्ले करेगा, स्पीड घटेगी। इसका उल्टा भी पॉसिबल है कि वेलोसिटी पीछे और एक्सेलरेशन आगे, ये भी पॉसिबल है।
इसमें भी स्पीड घटेगा, इसको रिटार्डेशन कहते हैं। स्पीड और वेलोसिटी अगर सेम डायरेक्शन में, ऐसा भी हो सकता है वेलोसिटी पीछे एक्सीलरेशन पीछे, इसमें भी स्पीड बढ़ेगा इसमें भी स्पीड बढ़ेगा, इसको टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कहते हैं। यहाँ पे वेलोसिटी और एक्सीलरेशन एक्जैक्टली 90 डिग्री पे है, तो इस इंस्टेंट पे एट दैट इंस्टेंट ओनली डायरेक्शन विल चेंज, इसको नॉर्मल एक्सीलरेशन और सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन भी कहते हैं। अब इफ एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज इंक्रीजिंग इट्स वेलोसिटी मस्ट इंक्रीज, नहीं, इफ एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज इंक्रीजेस इट्स वेलोसिटी मस्ट इंक्रीज, नहीं, मे बी डिक्रीज, तो एक्सीलरेशन वेलोसिटी डिक्रीज कर सकता है। देखो एक्सीलरेशन जो है ना, एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज इंक्रीजिंग, उसकी वेलोसिटी बढ़ घट भी सकती है अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में हो तो। एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज इंक्रीजिंग, एक्सीलरेशन बढ़ रहा है एंड वेलोसिटी मस्ट इंक्रीज, नहीं, वेलोसिटी घट भी सकता है। जैसे 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 अपोजिट डायरेक्शन में मान लो एक्सीलरेशन बढ़ रहा है, उसकी स्पीड वो कम करेगा, स्पीड कम हुआ तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम हुआ, वेलोसिटी कम हो जाएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम विल प्रोवाइड नेट एक्सीलरेशन, नहीं, रेट ऑफ चेंज इन स्पीड जो होता है ना वो सिर्फ टेंजेंशियल डायरेक्शन टेंजेंशियल स्पीड को होता था। ए है, बोथ स्टेटमेंट फॉल्स, बिल्कुल दोनों गलत है। नेक्स्ट देखिए, अच्छा ये मैं समझाना चाह रहा हूँ नाली कंसेप्ट। यहाँ पे पहले इसको ध्यान से देख लो, सारा स्लोप एरिया अंडर द कर्व किसको डिफरेंशिएट करके क्या मिलेगा, किसको इंटीग्रेट करके क्या मिलेगा, किस ग्राफ का स्लोप किसको बताता है, किस ग्राफ का एरिया किसको बताता है, सब दिमाग में सेट हो जाएगा। सबसे पहले हम बेटा पढ़ते हैं पोजिशन, हाँ सर पढ़ते हैं पोजिशन, ऑब्जेक्ट की ये पोजिशन है, पोजिशन को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें मिलता है वेलोसिटी, मिलता है पोजीशन को डिफरेंशिएट करते तो हमें मिलता है वेलोसिटी, और डिफरेंशिएशन का मतलब होता है स्लोप, तो पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी बताते हैं। देखो स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमें मिलता है पोजीशन को डिफरेंशिएट, तो पोजीशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा, और पोजीशन टाइम ग्राफ का डिफरेंशिएशन मतलब स्लोप, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी बताए। अब वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें एक्सीलरेशन मिलेगा, देखो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया डीवी बाई डीटी तो एक्सीलरेशन मिला, और वी इंटू डीवी बाई डीएक्स करेंगे अगर मैं पोजीशन से डिफरेंशिएट करूं तो भी वो वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करके पोजीशन से डिफरेंशिएट कर दिया, वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करते तो एक्सीलरेशन मिलता है, मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप भी एक्सीलरेशन बताता है। एक्सीलरेशन को डिफरेंशिएट करते तो जर्क मिलता है, लेकिन जर्क हमारे सिलेबस में नहीं है तो ये हमें नहीं पढ़ना। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप नाली को बताता है, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप नाली को होता है क्योंकि हमें पढ़ना नहीं है। एक्सीलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे, पीछे आएंगे तो इंटीग्रेट करेंगे, तो ए इंटू डी टी क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व, एरिया किसी इंटरवल में आता है, इस इंस्टेंट पे नहीं, डिफरेंशिएशन इंस्टेंट पे होता है, इसलिए पोजीशन का डिफरेंशिएशन इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सीलरेशन, इंस्टेंटेनियस वाला, लेकिन इसका इंटीग्रेशन चेंज इन वेलोसिटी बताएगा, और एरिया का मतलब होता है इंटीग्रेशन, एरिया ऑफ एटीग्राफ इज चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे वी इनटू डीटी, ये चेंज इन पोजीशन तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हो गया, इंटीग्रेशन मतलब एरिया, तो एरिया ऑफ वीटी या इंटीग्रेशन ऑफ वीटी, एरिया ऑफ वीटी इंटीग्रेशन ऑफ वीटी दोनों एक ही बात है डिस्प्लेसमेंट, और पोजीशन को अगर इंटीग्रेट करो या पोजीशन टाइम ग्राफ का एरिया देखो तो ये क्या बताएगा, नाली बताएगा। सुनो अगर तुम्हें डिफरेंशिएट करना है तो वहां से तुम्हें स्लोप मिलेगा, तो पोजीशन का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी, पोजीशन का स्लोप वेलोसिटी, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सीलरेशन, और वेलोसिटी का स्लोप भी एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का स्लोप नाली, एक्सीलरेशन का इंटीग्रेशन, एक्सीलरेशन का इंटीग्रेशन चेंज इन वेलोसिटी, और एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन चेंज इन पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट, और वेलोसिटी का एरिया अंडर द कर्व टोटल डिस्प्लेसमेंट, बताओ ये नाली समझ में आया। तो जैसे तुम पोजीशन पे हो तो पोजीशन से आगे जाओगे तो इसका स्लोप ही डिफाइंड होगा, एरिया डिफाइंड नहीं होगा, पीछे गए इंटीग्रेट किया, पीछे मतलब इंटीग्रेशन, आगे मतलब डिफरेंशिएशन, पीछे मतलब इंटीग्रेशन, आगे मतलब डिफरेंशिएशन, तो ये याद रखना बहुत जरूरी है, डायरेक्ट सवाल इससे पूछ लेते हैं, ये मैंने तुम्हें कराई दिया। नेक्स्ट देखो एवं सर बड़े आराम से, तो यहाँ पे 1D के जो सवाल है वो सॉल्व कैसे करोगे, उसमें अप्रोच क्या लगाओगे, इसका एक सिंपल सा कंसेप्ट होता है कि हम एक्सीलरेशन देखेंगे, एक्सीलरेशन देखेंगे मतलब एक्सीलरेशन का नेचर देखेंगे, एक्सीलरेशन का नेचर कैसे देखते हैं कि जो एक्सीलरेशन है वो कैसा है, वेरिएबल है, कॉन्स्टेंट है, किस तरह का एक्सीलरेशन है। अगर तुम्हारा एक्सीलरेशन जीरो हो गया तो यूनिफॉर्म मोशन हो गया, मतलब ये बॉक्स मैंने नहीं बनाया, ये बॉक्स बेटा यहाँ बनाया, इसको पहले यहाँ समझते हैं कि अगर तुम्हारा एक्सीलरेशन जीरो है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर तुम्हारा एक्सीलरेशन क्या है, जीरो है, अगर एक्सीलरेशन जीरो है तो पक्की बात है वो यूनिफॉर्म मोशन है, और यूनिफॉर्म मोशन में तुम्हारा वेलोसिटी कौन, एक्सीलरेशन जीरो तो वेलोसिटी कौन सा, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन में डिस्प्लेसमेंट बराबर वीटी एक ही रिलेशन होता है। लेकिन अगर तुम्हारा नॉन जीरो कांस्टेंट एक्सीलरेशन है तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, वी बराबर यू प्लस एटी, और यहां पे अगर तुम्हें एक्सीलरेशन टाइम दिया है
और वेलोसिटी पूछ रहा है तो फर्स्ट इक्वेशन में मोशन लगाओगे। एस बराबर होता है बेटा यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर तुम एक्सीलरेशन टाइम इनिशियल वेलोसिटी दे दिया, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है तो ये लगाओ। अगर वेलोसिटी दिया है और एक्सीलरेशन दिया है और डिस्प्लेसमेंट की चर्चा कर रहा है, वेलोसिटी दिया है, एक्सीलरेशन दिया है, डिस्प्लेसमेंट की चर्चा कर रहा है, टाइम कहीं भी अवेलेबल नहीं है तो थर्ड, टाइम न दिया है न पूछा है तो थर्ड, और फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन होता है एस एन एथ बराबर यू प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। यही होता है क्या? हाँ, ये किसी एक सेकेंड में दूसरा तीसरा चौथा एन एच सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट देता है। अच्छा, वी प्लस यू बाई टू होता है एवरेज वेलोसिटी अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो तो, और डिस्प्लेसमेंट होता है यू प्लस वी बाई टू इंटू टी एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए ये सब लगाते हैं। अगर हमारा एक्सीलरेशन वेरिएबल है तो क्या करेंगे? इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। बड़ा सिंपल है, कई दिमाग में सेट है, डब्बे में सेट है ये कंसेप्ट, फटाफट बताइए। अब पता कैसे करेंगे इक्वेशन को देख के कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है? बेटा अगर पोजीशन का फंक्शन है और उसमें पोजीशन प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर है तो ऑब्वियस ही बात है, अगर पोजीशन प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर है तो उसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकालेंगे तो वेलोसिटी में प्रोपोर्शनल टू टी आएगा, और अगर वेलोसिटी के फॉर्मूले में रूट एक्स कहीं बन रहा है तभी एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, अदरवाइज एक्सीलरेशन जीरो या एक्सीलरेशन वेरिएबल होगा। जैसे एक्स इज प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब, एक्सीलरेशन वेरिएबल है, निकाल के देख लेना। एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो थ्री टी स्क्वायर और एक बार और करोगे तो 60। बताओ एक्सीलरेशन टाइम डिपेंडेंट आ गए। तो अगर पोजीशन में टी स्क्वायर है, वेलोसिटी में टी है या वेलोसिटी में रूट एक्स है तभी एक्सीलरेशन कांस्टेंट आएगा, अदरवाइज एक्सीलरेशन तुम्हारा जीरो या वेरिएबल आएगा। इफ एक्सीलरेशन जीरो देन वेलोसिटी मस्ट बी नॉन जीरो कांस्टेंट। सही बात है, अगर तुम्हारा एक्सीलरेशन जीरो है वेलोसिटी मस्ट बी क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए। अब आगे देखिए, बीच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट फॉर द वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। वेलोसिटी इंक्रीजिंग, एक्सीलरेशन डिक्रीजिंग, सही है। वेलोसिटी डिक्रीजिंग, एक्सीलरेशन इंक्रीजिंग, सही है। बहुत इंक्रीजिंग, ये भी सही है। बहुत डिक्रीजिंग, ये भी सही है। ऑल ऑफ दिस इज आंसर। एक ही रिलेशन गलत है कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन नॉन जीरो नहीं हो सकता, ये रॉन्ग है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन जीरो हो सकता है। एक ही केस में तुम कह सकते हो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन जीरो हो सकता है, बाकी एक्सीलरेशन पॉजिटिव है तो वेलोसिटी में भी पॉजिटिव नेगेटिव, अगर वेलोसिटी नेगेटिव है तो एक्सीलरेशन में भी पॉजिटिव नेगेटिव, कुछ भी रिलेशन आप लिख सकते हो। ये है, ऐसे छोटे सवाल आ सकते हैं कि पोजीशन दिया हुआ है तुम्हारा इतना और टाइम देने से लेसन जीरो, पोजीशन दिया है बोला कि टाइम बताओ जब इसे लेसन जीरो। कुछ नहीं करोगे मुन्ना, तुम वेलोसिटी निकालोगे डीएक्स बाई डीटी से, डीएक्स बाई डीटी में ऐसे ए तुम्हारा कांस्टेंट है बाहर रहेगा, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया टू टी माइनस, बी कांस्टेंट है बाहर रहेगा, टी स्क्वायर का हो गया थ्री, टी क्यू का हो गया थ्री टी स्क्वायर। यहाँ से ऐसे लेसन निकालोगे तो टू ए कांस्टेंट है बाहर, टी का डिफरेंशिएशन वन माइनस, थ्री बी कॉन्स्टेंट, टी स्क्वायर का होगा टू टी, तो सिक्स बी इन टू टी, और बोला टाइम बताओ जब एक्सीलरेशन जीरो। तो पोजीशन को दो बार डिफरेंशिएट करके एक्सीलरेशन निकाला, इसको तुम जीरो रख दो, तो टू ए बराबर सिक्स बी इन टू टी, तो टी बराबर आ गया टू ए बाई सिक्स बी, ये कट के आ गया थ्री ए बाई थ्री बी। ये टाइम है जब तुम्हारा एक्सीलरेशन क्या है? जीरो। वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू रूट एक्स। तो अभी भी बताया कि वेलोसिटी अगर प्रोपोर्शनल टू एक्स है, वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है, वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब है, वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू एक्स का पावर थ्री बाई टू है, इन सभी केसेस में एक्सीलरेशन वेरिएबल ही निकाल के देख ले। और कैसे निकालेंगे? जब भी वेलोसिटी एक्स का फंक्शन हो, इसका फंक्शन हो, एक्स का फंक्शन हो, तो एक्सीलरेशन होगा वेलोसिटी इंटू डीवी बाई डीएक्स। मतलब वेलोसिटी को एक्स से डिफरेंशिएट करो और फिर इसको वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, एक्सीलरेशन आएगा। अगर वेलोसिटी टाइम का फंक्शन होता तो डीवी बाई डीटी से। इन सारे केस में वेलोसिटी तुम्हारा वेरिएबल है, एक्सीलरेशन वेरिएबल है। देखिए एक्सीलरेशन तभी कांस्टेंट होगा जब तुम्हारा वेलोसिटी रूट एक्स का फंक्शन हो या वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू टी हो, या एक्स प्रोपोर्शनल, नहीं, वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू टी हो और एक्स प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। बोला है कि अगर वी रूट एक्स है तो इसमें कौन सा सही है? वी रूट एक्स है तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट तो एक्स प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, इसी में एक्सीलरेशन कांस्टेंट, यही हो सकता है सही आंसर। ये जेई 2012-13 में पूछा हुआ सवाल है और जेई मैंने 21-22 में भी ये सेम पैटर्न पे सवाल रिपीट किया। जेई का सवाल है खत्म। वी रूट एक्स में एक्सीलरेशन कांस्टेंट और एक्सीलरेशन कांस्टेंट इस चारों में से सिर्फ सेकंड में है, आंसर सेकंड ही होगा, नहीं दिया लेकिन सेकंड ही हो। अब सुनना यहां पे दिया है रूट एक्स इज इक्वल टू टी प्लस 7, तो मोशन कैसा होगा बताओ? क्या फंक्शन को देख के मोशन बता सकते हो? हाँ यार, ये तो समझाया है। देख, जैसे रूट एक्स तुम्हें दिया है टी प्लस 7, इस रूट को उधर ले जा तो एक्स बराबर हो गया टी प्लस 7 का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर खोलेगा तो टी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 14 टी प्लस 49। तो यहां से हम मैक्सिमम पावर देखते हैं, ये नहीं देखेंगे, एक्स प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर आ गया, मतलब एक्सीलरेशन कॉन्स्टेंट है।
एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो वेलोसिटी बदलेगा, तो वेलोसिटी इज वेरीज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम, नहीं यहां से डिफरेंशिएट कर देना, v निकाल ले, v निकालेगा तो t स्क्वायर होगा 2t + 14, अब बता वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू t आएगा, वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम नहीं, वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू रेस्ट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, रूट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट कह सकते हो, रेस्ट नहीं रूट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल हैविंग नॉन जीरो वैल्यू, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज हैविंग नॉन जीरो वैल्यू, एक्सेलरेशन ऑफ द एक्सेलरेशन नॉन जीरो आएगा, एक्सेलरेशन जीरो होता तो वेलोसिटी कांस्टेंट होता, वेलोसिटी पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू, एक मिनट मैं बताता हूं रुक जाओ, रूट एक्स बराबर टी प्लस सेवन है, ठीक है समझ गया, तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम, तो गलत है, वेलोसिटी ऑफ द वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द टाइम, ये भी गलत है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल प्रोपोर्शनल टू रेस्ट, रेस्ट नहीं रूट ऑफ डिस्प्लेसमेंट तो सही हो सकता है, क्योंकि वेलोसिटी अगर तुम्हारा टी के प्रोपोर्शनल है तो तुम बता सकते हो एक्सेलरेशन कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इसमें कांस्टेंट आता है, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल हैविंग नॉन जीरो वैल्यू, हाँ नॉन जीरो वैल्यू, क्यों नॉन जीरो वैल्यू, क्योंकि नॉन जीरो वैल्यू आ रहा है तो आंसर मेरा डी जाएगा, ये लैंग्वेज ही कुछ गलत लिखा है, प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट लिख देता हूँ, अब बता अब कौन सा सही होगा, अब अभी किस वजह से क्या गलती कर दी, अब मैंने क्या लिख के दिया था, तुम्हें लग रहा होगा ये पीवाई क्यू है, काम करना पीवाई क्यू से मिलाना, काम करना पीवाई क्यू में ऐसे सवाल थे उससे मिलाना, हाँ तो पीवाई क्यू तो है सर, ये तो था रूट एक्स बराबर समथिंग, पीवाई क्यू जो था मिला, सबको ये टास्क है पीवाई क्यू से मिला लेना, बताना क्या है, चेंज किया है, ठीक है, तो ये तुम्हारा आंसर चला जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल हैविंग नॉन जीरो, एक्सेलरेशन निकाल तो दिया तो आएगा, वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करो तो डीवी बाई डीटी तुम्हारा एक्सेलरेशन हो जाएगा, तो नेक्स्ट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डिपेंड्स ऑन टाइम अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, ठीक है, v बराबर है तेरा t प्लस सिक्स का होल स्क्वायर, सर देखो प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर आ गया तो इस बार एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, नहीं मुन्ना वेलोसिटी है ये, वेलोसिटी हो गया t स्क्वायर के प्रोपोर्शनल 12t प्लस 36, अरे तब तो यहाँ पे सर एक्सेलरेशन वेरिएबल होना चाहिए, क्योंकि x प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर हो, v प्रोपोर्शनल टू t हो, या v प्रोपोर्शनल टू रूट एक्स हो, तभी एक्सेलरेशन कांस्टेंट, ये तो v प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर होगा, एक्सेलरेशन वेरिएबल हो, यूनिफॉर्म मोशन कहाँ से हो गया, वेलोसिटी बदल रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नहीं 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 नॉन यूनिफॉर्म मोशन विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सी आएगा आंसर, क्योंकि यहाँ पे v प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर है, मतलब टाइम के साथ वेलोसिटी भी बदल रहा है, सी आएगा आंसर, चलिए नेक्स्ट देखिए, मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, देखो ये बताता है v बराबर u + at, v स्क्वायर - cu स्क्वायर 2as, s बराबर ut + half at स्क्वायर, एवरेज वेलोसिटी v + u / 2, ठीक है ना, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो ये डिस्प्लेसमेंट आप आराम से लिख सकते हैं, एस एन एथ, ये एस एन एथ बटा एस एन का रेशियो क्या हो जाएगा, टोटल एन टाइम में डिस्प्लेसमेंट और एक एन एथ टाइम में डिस्प्लेसमेंट का रेशियो क्या होगा, ये देख लो, हाँ ये देखना ध्यान से, अगर किसी पॉइंट को ऑब्जेक्ट क्रॉस करता है यू से और चलते 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 जर्नी एंड करता है वी पे और एक्सेलरेशन कांस्टेंट से चल रहा है, तो मिड पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से करते हैं, थर्ड इक्वेशन मोशन क्या कहता है, पूरे जर्नी के लिए वी स्क्वायर फाइनल स्पीड का स्क्वायर माइनस इनिशियल स्पीड का स्क्वायर बराबर टू ए एस, तो थर्ड इक्वेशन मोशन क्यों लगा है, क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट पता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट एस पता है, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी पता है, और बोला कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन है, ये कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन के लिए वैलिड है, तो थर्ड इक्वेशन मोशन इस लगाऊंगा, अब बोला मिड पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया तेरा एस वाई टू, हाँ फाइनल वेलोसिटी गोल वी मिड का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर टू ए एस वाई, क्या करोगे दोनों को डिवाइड कर दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, ये आंसर आ जाएगा, वन थर्ड पे पूछता तो फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी इस पे पता, वन थर्ड पे पूछता तो यहाँ पे इस वाई थ्री करते, ये वन थर्ड पे स्पीड आ जाता, बहुत कूल माइंड से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है, तो इसको याद भी रखो, मिड पॉइंट पे वेलोसिटी होता है, स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होता है, मान लो किसी कोई ऑब्जेक्ट यू से चल रहा है और उसमें कॉन्स्टेंट रिटार्डेशन तूने अपोजिट डायरेक्शन में लगाया है, तो कितना डिस्टेंस चल के रुक जाएगा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन रुक गया, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी यू स्क्वायर, तो जीरो माइनस यू स्क्वायर बराबर टू एस, तो एस बराबर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई टू ए, यू स्क्वायर बाई टू ए, सर रिएक्शन टाइम क्या होता है, मान लो इसने सोचा ब्रेक लगाऊं और जब इसने ब्रेक लगाया तो उसमें एक टाइम का गैप होता है, तब तक ब्रेक नहीं लगता सर, तब तक ब्रेक अगर नहीं लगा तो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी चलेगा, हाँ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी चलेगा, स्टॉपिंग डिस्टेंस हो गया यू इंटू रिएक्शन टाइम,
रेस टू रेस जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट है, रेस टू रेस जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे जेई मेन में हर साल एक सवाल आता है, नीट में भी आ सकता है। ये कैसा मोशन होता है समझना, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, जर्नी शुरू करेगा तो पक्की बात एसिलेशन होना चाहिए, हाँ तो एसिलेशन है अल्फा, तो अल्फा एसिलेशन से टी1 टाइम में x1 डिस्टेंस चला और मैक्सिमम वेलोसिटी गेन करने के बाद ब्रेक लगा के बीटा रिटार्डेशन से x2 डिस्टेंस और t2 टाइम में रुक गया। ऑब्वियस ही बात है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से कह सकते हो एक्सीलरेशन इनटू एक्सीलरेशन में लिया गया टाइम बराबर रिटार्डेशन इनटू रिटार्डेशन में लिया गया टाइम, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, सॉरी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से कह सकते हो एक्सीलरेशन इनटू एक्सीलरेशन में चला गया डिस्टेंस बराबर रिटार्डेशन इनटू रिटार्डेशन में चला गया डिस्टेंस के प्रोडक्ट के बराबर होता है। मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होता है, अल्फा बीटा बटा अल्फा प्लस बीटा इनटू टी, ये टोटल टाइम ऑफ द जर्नी है। डिस्प्लेसमेंट होता है हाफ अल्फा बीटा बटा अल्फा प्लस बीटा इनटू टी स्क्वायर। इसमें एक और केस हार्ड वाला पूछ लेते हैं कि पहले तो चला कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन से, फिर वो यूनिफॉर्म मोशन से चला और फिर रिटार्ड होकर रुक गया, ऐसे सवाल भी कई बार पूछ लेते हैं, तो उसका भी ध्यान रखना हो जाएगा। इसमें इस केस में आप स्टार्टिंग में ठीक है कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन से चला है s/3, अच्छा 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 ये तो कुछ और है, ये बताता हूँ मैं। अच्छा इसमें ये भी होता है कि u 0 है, अल्फा से चला एक्सीलरेशन से t1 टाइम तक, उसके बाद ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चला और फिर ये बीटा से रिटार्ड हुआ और t2, ये t2 टाइम में मान ले, ये t3 टाइम में रुक गया। इस केस में भी यहां से यहां तक उसने वेलोसिटी कांस्टेंट रखी, ये तुम्हारा एक्सीलरेटेड हो गया, ये रिटार्डेड हो गया, तो ये और इन जर्नी के लिए ये सारी चीजें सही है। आप कह सकते हो कि अल्फा t1 बराबर डायरेक्टली यहां पे बीटा t3, एकदम सही है, ये कह सकते हो। अच्छा ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से और कांस्टेंट एक्सीलरेशन चलना शुरू किया, इस डिस्टेंस कोई s/3 डिस्टेंस t1 में कवर किया, नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस उसने t2 में कवर किया, नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस उसने t3 में कवर किया, तो t1 t2 और t3 का रेशियो बताओ 1:√2 - 1:√3 - √2। सर ये क्या है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया s/3 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 उसमें लिया गया टाइम, इक्वल डिस्टेंस में लिया गया टाइम का रेशियो, इक्वल डिस्टेंस में लिया गया टाइम का रेशियो, इक्वल डिस्टेंस में लिया गया टाइम का रेशियो। क्लियर है क्या, रेशियो ऑफ टाइम फॉर द इक्वल डिस्टेंस इंटरवल। अब वो यही चीज तो बताया था, रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर द इक्वल टाइम इंटरवल, ये रेशियो ऑफ टाइम फॉर इक्वल डिस्टेंस इंटरवल, दोनों को में फर्क समझो, घबराना नहीं, दोनों में फर्क समझो। ये क्या है, रेशियो है, रेशियो किसका है, टाइम का रेशियो, टाइम का, किस टाइम का रेशियो है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो टाइम लगा, ये है रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर इक्वल टाइम इंटरवल। ये टाइम का रेशियो इक्वल डिस्टेंस के लिए, ये डिस्टेंस का रेशियो इक्वल टाइम के लिए, इक्वल टाइम इंटरवल के लिए, पहले एक सेकेंड में, उसके बाद जर्नी खत्म, डिस्टेंस खत्म, अगले वाले एक सेकेंड में, सिर्फ अगले वाले एक ही सेकेंड में, फिर उससे अगले वाले एक सेकेंड, जो डिस्प्लेसमेंट का रेशियो होता है जिसको हम ऑड नंबर का रेशियो कहते हैं, गैलीलियो रेशियो कहते हैं, वो होता है 1:3:5। मतलब ये कह रहा है कि यहां से यहां तक फर्स्ट सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो s1 है, उसके बाद इससे मुझे कोई लेना देना नहीं, अगले सेकेंड सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो अगर s2 है और अगले थर्ड सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो अगर s3 है, तो s1:s3 का रेशियो होता है 1:3:5। क्या होता है, 1:3:5। अगर इसको x बोलूंगा तो 3x 5x होगा, ये डिस्प्लेसमेंट एक सेकंड का टोटल दो सेकंड का, टोटल दो सेकंड में पहला भी आ गया। जैसे ये अगर मान लो आपका s1 है और इसको मैं s2 बोलूं, तो देखो दोनों अलग चीज है कि नहीं, यहां से यहां तक s1 और यहां से यहां तक s2, इससे कोई लेना देना नहीं है इसको, ये अलग s1, ये अलग s2, ये अलग s3। ये कह रहा कि अगर ये s1 है तो ये s2 बताओ क्या होगा, सर ये x है ये 3x है, ये x है, ये दोनों इंक्लूड करूंगा तो ये 4x हो जाएगा, इसलिए रेशियो क्या होता है 1:4x। अब इस पे एक बड़ा सुंदर सवाल बनाया है, मैं कराऊं, छोटा कराता हूं पहले फिर सुंदर सवाल कराऊं। ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट और ये सारी चीजें तभी सही है, टाइम का, इक्वल डिस्टेंस इंटरवल का रेशियो, फिर एक सेकंड में टोटल, टोटल दो सेकंड का, टोटल तीन सेकंड का, टोटल तीन सेकंड का, ये वाला ये रेशियो, फिर इसको छोड़ दिया, इसको नहीं लिया, सिर्फ इतने का रेशियो होता है 1:3:5, ये वाला फिर ये वाला होता है 1:4:9, नेचुरल नंबर के होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 एंड सो ऑन।
अब मैं क्या कह रहा हूं, अब मैं क्या कह रहा हूं, रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन टाइम टी एंड नेक्स्ट सेम टाइम इंटरवल टी, नेक्स्ट सेम टाइम इंटरवल का मतलब है कि मान ले कि यहां से यहां तक मैंने बोला पहले दो सेकेंड, फिर नेक्स्ट दो सेकेंड, फिर नेक्स्ट दो सेकेंड। इसको मैं ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूं, इसको मैं ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूं, जीरो से दो सेकेंड, और फिर दो से चार सेकेंड, चार से छह सेकेंड, और छह से आठ सेकेंड। बताओ ये पहला दो सेकेंड हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर, पहला दो सेकेंड है। क्या दो सेकेंड से चार सेकेंड, दो सेकेंड का इंटरवल है, चार से छह ये दो सेकेंड का इंटरवल है, छह से आठ ये दो सेकेंड का इंटरवल। अगर सिर्फ इसमें एक्स चला है तो सिर्फ इसमें थ्री एक्स चलेगा, सिर्फ इसमें फाइव एक्स चलेगा, ये सेवन। सर वो एक सेकेंड के लिए था ना? नहीं, ये भी सही है, वो तीन तीन सेकेंड का इक्वल इंटरवल के लिए सही होगा। कितने लोगों को ये चमका और मोक्ष मिल गया बताओ? कितने लोगों को ये पहली बार समझ आया? इसलिए हम तो सर कैसे समझे थे कि एक एक सेकंड का होता है? नहीं, पहले एक में, फिर दूसरे सिर्फ एक में, फिर तीसरे एक में, चौथे एक में, या मैं बोलूं पहले दो सेकंड में, फिर दूसरे दो सेकंड का इंटरवल, फिर तीसरे दो सेकंड का इंटरवल का भी रेशियो। और इसमें भी आप लिख सकते हो ये नेचुरल नंबर का होल स्क्वायर 1,4,9,16 ऐसा होता है। अब देखो, ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन मूव 80 मीटर इन 7 सेकंड, देन फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन नेक्स्ट 7 सेकंड। तो ये 14 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट ही बोला, पहला 7 सेकंड छोड़ दो, फिर सिर्फ दूसरे 7 सेकंड में पूछा। तो इसका 4 गुना 8 चौक 32 320 मीटर आंसर होगा। बता नेक्स्ट, देख वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज दिस, तो v बराबर है तेरा √(√25 - 8x)। पता v प्रोपोर्शनल टू √x है, हां तो पक्का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो कैसे निकाल सकते हैं? वेलोसिटी पोजीशन दिया हुआ है, एक्सेलरेशन निकालना, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन सोचो। एक काम करो, रूट को इधर ले, वी स्क्वायर बराबर 5 का होल स्क्वायर माइनस 8x लिख सकते हैं, सर लिख सकते हैं। तो यही तो तुम्हारा वो हो गया रिलेशन, पर किसका? उसका किसका? वेलोसिटी का। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2x होता है। हाँ, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से कंपेयर कर लो, यू बराबर 5 और 2a बराबर माइनस 8, तो a बराबर माइनस 4। बताओ क्या बोला है? फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन फर्स्ट सेकेंड ऑफ इट्स मोशन, मतलब एक सेकंड में डिस्प्लेसमेंट पूछा। तो फर्स्ट सेकंड ऑफ मोशन u प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, पहले एक सेकंड में निकाल लो, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सॉरी u बोलो सर, इनिशियल वेलोसिटी 5 गुना 1 प्लस हाफ एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस 4 इंटू 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5 माइनस 4 बाई 2 माइनस 2, यह आएगा 3 मीटर, 3 मीटर आंसर। नेक्स्ट देखो, हाँ ये सवाल मैंने बोला बढ़िया सवाल लिखा, स्क्रीन पॉज करके करो, एमआर का सवाल है, स्क्रीन पॉज करके करो, चलो स्क्रीन पॉज करके पहले अटेम्प्ट करो, स्क्रीन पॉज करो, एकदम स्क्रीन पॉज करके ही अटेम्प्ट करना है आपको। चलिए स्क्रीन पॉज करके अटेम्प्ट करिए। सर स्टोन फॉलिंग फ्रीली अंडर द ग्रेविटी, इट कवर एच वन डिस्टेंस फ्रॉम 2 to 4 सेकेंड एंड एच टू डिस्टेंस फ्रॉम 6 to 8 सेकेंड, देन फाइंड रिलेशन। पॉज हो गया करो, और सॉल्व हो जाए तो बोलो कि एमआर का मुंडी फोड़ दिया, एमआर को फोड़ दिया। मुंडी नहीं, बोल मुंडी लिखते कैसे बदतमीज कहीं के लोग, एमआर के सवाल को फोड़ दिया, बोले एमआर का मुंडी कैसे फोड़ दिया, बोले एमआर के सवाल फोड़ दिया। सॉल्व हो जाए तो ऐसे नहीं भाई साहब, तो मैं बताऊंगा भी नहीं, आंसर बता देता हूँ, फिर पॉज करके सॉल्व करना, आंसर आएगा भी, और एकदम सही है भी। सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में एक्सप्लेन करो, मैं नहीं बताऊंगा। बहुत ईजी है। अ पार्टिकल मूव इन ए स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन चेंजेड इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 10 टू 20 सेकंड व्हाइल पासिंग थ्रू द डिस्टेंस 135 मीटर इन 30 सेकंड, देन वैल्यू ऑफ टी पूछा। क्या बोला है कि 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हो गई जब वो 135 मीटर चला। ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो जो लगाना है। तो तुम कह सकते हो कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, ये होना चाहिए। 135 बराबर 30 बटा 2 इनटू टी, तो ये हो जाएगा 270 बटा 30 इनटू टी, 0 से 0 कटेगा, 9 × 27 9 सेकंड। वेलोसिटी ऑफ द बुलेट बिकम्स 1/3 आफ्टर पेंट्रेटिंग अ 4 सेंटीमीटर। मान लो एक बुलेट है जो वुड को पेंट्रेट किया, तो ये बुलेट की वेलोसिटी है u। वेलोसिटी ऑफ द बुलेट बिकम्स 1/3 आफ्टर पेंट्रेटिंग 4 सेंटीमीटर, तो जब वो 4 सेंटीमीटर यू से मान लो घुसा तो उसकी वेलोसिटी यू थी, जब वो 4 सेंटीमीटर चला तब उसकी वेलोसिटी हो गई v/3। वेलोसिटी ऑफ द बुलेट बिकम्स 1/3 मतलब 1/3 हो गया, लूज नहीं किया 1/3, अगर लूज करता 1/3 तो 2/3 मतलब v - v/3 लिखते। ये क्या बोला है? वेलोसिटी ऑफ द बुलेट बिकम्स 1/3 पेंट्रेटिंग 4 सेंटीमीटर इन अ वुडन ब्लॉक।
assuming that bullet is facing a constant retardation during its motion, the bullet stop completely after traveling a 4 plus x centimeter. मतलब यहां से 4 तो चला तो v by 3 हो गया, यहां से x और चल के वो रुक गया. Then value of x. सुनना, सुनना, x सही है ना तुम्हें, value of x. सुनना, time वही है? नहीं, third equation motion. यहां से यहां तक third equation motion लगा, v by 3 का whole square, मतलब u by 3 का whole square, minus u square बराबर 2a into 4. Resolution पीछे है ना, minus लगा ले. और एक काम कर, क्या करें सर, यहां से यहां तक लगा ले, तो ये हो जाएगा 0 minus u square बराबर minus 2 a into 4 plus x, ये 4 और x, total 4 plus x. अब इसको divide कर ले, तो u by 3 हो जाएगा तेरा u by 9, तो u square by 9 minus u square को solve कर, तो 9 LCM लेगा, minus 8 u square by 9 is equal to minus 2a into 4, बटा माइनस यू स्क्वायर बराबर माइनस टू ए इंटू फोर प्लस एक्स. यहां से यू स्क्वायर माइनस से माइनस, माइनस टू ए से माइनस टू ए कट जाएगा, तो यहां बचेगा एट बाई नाइन. सर बचेगा एट बाई नाइन इज इक्वल टू एट बाई नाइन, यहां लिया चार बटा फोर प्लस एक्स, चार से काटेगा दो, दो यहां चला जाए, चार दो ना आठ प्लस टू एक्स बराबर नाइन, तो टू एक्स को रखने दे एक, एक्स बराबर हाफ आ रहा है, पॉइंट फाइव आ रहा है, सी आंसर पॉइंट फाइव. अब एक एक काम कर, कितने लोगों को लग रहा है कि पी वाई क्यू है, सर पी वाई क्यू तो है, मिला मिला. और मुझे बता कमेंट करके सर पी वाई क्यू लगा लेकिन है नहीं, भाई मेहनत लगती है वैसे सवाल बनाने में, ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है. कार एसिलेट फ्रॉम रेस्ट एंड कांस्टेंट एसिलेशन अल्फा फॉर सम टाइम आफ्टर वी रिटार्ड से कांस्टेंट एसिलेशन रेट बीटा comes to rate, total time is t, total time is t. How much time particle has attained its maximum velocity? Yeah, after how much time particle attained its maximum velocity? So, that's how PYQ tha, mila aur isko kar. Sahi ekdam. Kya bola hai? Car start from rest, u0 hai. And constant acceleration alpha se chala. For some time, मुझे नहीं पता टाइम कितना है, फॉर विच इट डिसेलरेट, आफ्टर विच डिसेलरेट विद कांस्टेंट रिटार्डेशन बीटा एंड कम्स टू एट रेस्ट. टोटल टाइम इलैप्सेस टी, टोटल टाइम जर्नी का है टी, टोटल टाइम आफ्टर हाउ मच टाइम पार्टिकल हैड अटेन्ड मैक्सिमम वेलोसिटी. तो द मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगा, बच्चा यही समझ लेता है गलती से और वो मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला ढूंढता है, लेकिन मैक्सिमम वेलोसिटी नहीं पूछा, बोला कितने टाइम के बाद मैक्सिमम वेलोसिटी को अटेंड करेगा, नहीं बताऊंगा, खुद कर. आंसर बता देता हूं भले ही सी है, स्क्रीन पॉज करके कर, होमवर्क है ये. सर रटा तो सब था, तो याद रहना चाहिए, कंसेप्ट पढ़ा है और डायरेक्ट आंसर पे सवाल आएंगे नीट पे, चिंता मत कर, लेकिन ये सवाल कर सारा कंसेप्ट रिवाइज हो जाएगा. ये सवाल डायरेक्ट कंसेप्ट से नहीं होगा, लेकिन सारा कंसेप्ट तेरा क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा, करके बताना. स्लाइड 46, स्लाइड 46 का आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, करके बताना. नेक्स्ट देख, ये बढ़िया सवाल लिखा है, ये बढ़िया सवाल लिखा है, एमआर स्टार सवाल है, ये एमआर स्टार सवाल, कोई रॉकेट साइंस जे एडवांस का सवाल नहीं आएगा, कंसेप्चुअल सवाल आएगा, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए. स्लाइड नंबर 47 है, स्लाइड नंबर 47 है ये, इसको कर और हो जाए सही आंसर आ जाए तो बोलना कि एमआर स्टार सवाल को फोर ठीक कर. पार्टिकल ऑफ मास एम मूव्स ऑन द एक्स एक्सिस एज फॉलो, इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट टी इज इक्वल टू जीरो, टी इज इक्वल टू जीरो पर वो रेस्ट में है. Start from rest at t is equal to zero, okay? And comes to a rest at 1 second. यहाँ से rest पे था, यहाँ से journey शुरू किया, and t is equal to one पे फिर से rest में आ गया. तो rest में था तो acceleration चाहिए होगा ना, तभी तो velocity gain करेगा, आगे बढ़ेगा. और फिर रुक गया तो कहीं retardation भी हुआ होगा. No other information is available about the motion. और zero से 1 second के बीच का alpha denoted the instantaneous acceleration of particle. Then alpha cannot exceed 2 at any point of its path. देख alpha कुछ भी हो सकता है. एक सेकंड के अंदर उसको सिलेक्ट होना, रिटार्ड होना, तो हो सकता है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए अल्फा बहुत हाई रखा, मतलब 0.01 सेकंड के लिए, और फिर 0.9 सेकंड के लिए रिटार्ड होकर रुक गया, तो ये तो मुझे नहीं लग रहा. अल्फा मस्ट बी ग्रेटर देन 4 एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, बात 4 से बड़ा हो जरूरी नहीं है. अल्फा कैन नॉट रिमेन्स पॉजिटिव फॉर ऑल द टाइम इंटरवल, ये मुझे सही लग रहा है, क्योंकि अल्फा अगर हमेशा पॉजिटिव है तो उसकी वेलोसिटी को बढ़ाता ही जाएगा, रुकेगा कब, अल्फा नेगेटिव भी होना पड़ेगा तभी तो रिटार्ड होगा. मॉड ऑफ अल्फा इज 2 एट एनी पॉइंट, ना ये हम कंफर्म नहीं कह सकते, हो सकता है कि एक्सीलरेशन 4 हो, रिटार्डेशन -2 हो,
दो ही हो ये जरूरी नहीं है, आंसर आया सी, मतलब कोई बड़ी बात नहीं थी लेकिन अच्छी सवाल है। ये कर द पोजीशन ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस एट अ सर्टेन टाइम इन गिवन बिलो, तो t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल -2 पे है, t इज इक्वल टू 1 पे 0 पे है, t इज इक्वल टू 2 पे 6 पे है, t इज इक्वल टू 3 पे 16 पे। दिस इज द फ्लोइंग डिस्क्राइब द मोशन करेक्टली, अगर ऐसे ऐसे टाइम पे अगर पार्टिकल की ये पोजीशन है तो मोशन कैसा होगा बताओ, आराम से सोच के, यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्म एंड एक्सेलरेटेड, ये ब्रैकेट में है, मतलब मोशन यूनिफॉर्म है और एक्सेलरेटेड है, यूनिफॉर्म है डिसेलरेटेड है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड है, देयर इज नॉट इनफ डाटा फॉर द जनरलाइजेशन। आराम से स्क्रीन पॉज करो, इसको अटेम्प्ट करो आराम से बैठ के। एमआर स्टार सवाल लिखा है बेटा, सवाल कहीं गूगल पे मिल जाए तो बता देना, लिखा है, बोला ना बेसिक भी रिवाइज करा दूंगा और लिखा भी दूंगा, नया सवाल भी करा दूंगा, करो। सुनो, कोई भी गधा देख के बता सकता है, कोई भी गधा देख के बता सकता है कि दो ऑप्शन तो गलत है, क्यों? अगर यूनिफॉर्म मोशन है, देखो ना, बीच ऑफ द फ्लोइंग डिस्क्राइब द मोशन करेक्टली, ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब यूनिफॉर्म डिसेलरेशन नहीं बोल रहा है, बोला यूनिफॉर्म है और डिसेलरेशन है, तो मोशन अगर यूनिफॉर्म है तो डिसेलरेशन कैसे हो सकता है, और मोशन यूनिफॉर्म है कि नहीं है चेक कर ले। तो एक सेकेंड, जीरो से एक, एक सेकेंड में पार्टिकल माइनस दो से दो पे गया, मतलब दो मीटर चला होगा, फिर जीरो से छह पे गया है एक सेकेंड में तो छह मीटर चला, और छह से सोलह पे गया मतलब दस मीटर चला, तो हर एक एक सेकेंड में अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। हाँ, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो एक्सीलरेशन होगा। बोल मजा आ गया लोगी ना, सी इज ए करेक्ट आंसर। तो बताओ तुम्हारे साथ खेल हो गया कि जो मैंने बताए पहले ही तुम समझ गए थे, तुम खेल गए कि खेल हो गया, देखूंगा मैं कमेंट, जितने लोग लेक्चर देख रहे बताइए खेल हो गया कि तुम खेल गए। इंजन ऑफ द ट्रेन मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पासेस द सिंगल सिंगल पोस्ट विद वेलोसिटी यू एंड लास्ट कंपार्टमेंट विद वेलोसिटी वी, द वेलोसिटी ऑफ द मिडिल पॉइंट। ले जेई मेन का सवाल है 2024, देख लियो जेई मेन 2024, डायरेक्ट सवाल ऐसे आते हैं, तुम भी कर लोगे तो अच्छा रहेगा। क्लियर है क्या? मोशन ड्रेविटी, मोशन ड्रेविटी इज नथिंग बट मोशन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है, जी 10 होती है जिसकी वैल्यू, जी कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी बदलेगी, वेलोसिटी बदलेगी तो मोशन में से कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म। देखिए मोशन ड्रेविटी इज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्या ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर पार्टिकल का पहला केस देखते हैं मोशन ड्रेविटी का, यहां से इसको छोड़ा, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई जीरो, और एक्सीलरेशन तुम्हारा कांस्टेंट है जी के बराबर सर है, तो एच टाइम चलने में उसको टी टाइम लगा, सॉरी एच डिस्टेंस चलने में उसको टी टाइम, तो पहला आधा डिस्टेंस कवर करने में अगर उसने टाइम लिया है टी वन, तो अगला आधा डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम जो टी टू लेगा, टाइम जो टी टू लेगा उसका रेशियो बताओ सर, ये रेस्ट चला कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन चला, इक्वल टाइम इंटरवल का जो रेशियो होता है 1:√2-1 होता है, तो टी वन और टी टू का रेशियो निकाल के देख लो, और टोटल एच चलने में अगर टाइम टी लगा है तो पहला आधा चलने में टी वाई रूट टू लगेगा, सेकेंड इक्वेशन मोशन से निकाल लोगे बहुत आसानी से आ जाएगा। रेस्ट है और कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन है, तो पहले एक सेकेंड में ऑब्जेक्ट 5 मीटर चलता है, पहले एक सेकेंड में, फिर दूसरे सिर्फ एक सेकेंड में, फिर तीसरे सिर्फ एक सेकेंड में, फिर चौथे सिर्फ एक सेकेंड में, पांचवें एक सेकेंड में जो चलेगा वो x:3x:5x:7x9 चलेगा, मतलब 1, 3, 5, 7 का रेशियो होगा, और पहले में 5 मीटर चलता है तो 3x मतलब 15 मीटर 25 मीटर 35 मीटर 45 मीटर चलेगा सर, लेकिन टोटल 2 सेकेंड का, टोटल 3 सेकेंड का देखे तो 4x 9x 16x यहाँ से निकाल लो, x 4x 9x 16 मतलब ये 5 है ये हो जाएगा 20 45 80 125 मीटर। वैसे आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के कुछ भी निकाल सकते हैं, s बराबर ut+ 1/2 at² ये किसी भी टोटल टी टाइम का डिस्प्लेसमेंट है, और किसी भी एक सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट आप निकाल लेंगे u+ ½ a/2 into 2n-1। अब जरूरी नहीं है कि तुम इसको रटो कि 5 सेकेंड में, देखो पहले 1 सेकेंड में, फिर टोटल 2 सेकेंड में, टोटल 3 सेकेंड में, टोटल 4 सेकेंड में, टोटल 5 सेकेंड में 125, तो टोटल 5 सेकेंड में 125 इसी से याद रखने की जरूरी नहीं है, टोटल ड्रॉप किया तो टोटल 5 सेकंड में कितना हो गया निकालो, ड्रॉप किया तो u0, हाँ सर ये हो जाएगा हाफ, a की वैल्यू 10 × 5² 10/2 5 5² 25 25 25 125। तो इससे आसान है कि ये रटना आसान है, तो फॉर्मूला से सॉल्व करना तो इजी है ही, अगर हम रट भी लेते हैं तो याद रहेगा, हर एक एक सेकेंड का, एक सिर्फ एक एक सेकेंड के इंटरवल का रेशियो क्या होता है
इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट का रेशियो क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट का रेशियो होता है 5, जो गिनती होती है ना उसके बीच वाला नंबर उठा ले, 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 65, 85, 85 कब होगा 9वें सेकंड में, 75 कब होगा 8वें सेकंड में, 65 कब होगा 7वें सेकंड में, 4थे सेकंड में क्या होगा 35, 3रे सेकंड में क्या होगा 25, 2रे सेकंड में 15, मतलब जो लास्ट वाला सीरीज है ना जिसका 5वां उठाया है, सोचो सर नहीं आया तो बराबर होता है यू तो जीरो हो गया, ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन, सर 8वें सेकंड में निकाल के देखो तो ले ना भाई, ले 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 10/2 8 रख यहाँ पे 8वें सेकंड में, 8 दूना 16, 16 माइनस 1 10/2 ये 5 हो जाएगा, हाँ सर 5 इंटू 15, 15 पच्चीस 75 ले देख, ड्रॉप किया तो ग्राफ, तो एसिलेशन कांस्टेंट होता है तो 80 ग्राफ देख कांस्टेंट हो गया, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एसिलेशन बताता है तो वेलोसिटी ऐसे बढ़ेगा लीनियरली तभी तो उसका एसिलेशन देख कांस्टेंट होगा, और एस पैराबोलिक होगा, क्यों, क्योंकि एस प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, तभी तो वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू टी तो स्ट्रेट लाइन, और वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू तो एसिलेशन कांस्टेंट है, सर इसमें एसिलेशन कांस्टेंट, हाँ तो सर एसिलेशन तभी कांस्टेंट होता है जब जब पोजीशन प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर होगा, वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू टी होगा, और वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू रूट एक्स होगा, तभी एसिलेशन कांस्टेंट होगा, कि यही चीज मोशन अंडर ग्रेविटी में होती है, हाँ सर मोशन अंडर ग्रेविटी में यही चीज होती है, यही स्टार बताया आपने, ठीक है, और अगर तुम्हें ये चीज पता चल गई तो एक्स का ग्राफ, एटी का ग्राफ, वी एक्स का ग्राफ, वी टी का ग्राफ, एक्स टी का ग्राफ इसी इक्वेशन से बनेगा, हाँ ये पैराबोला, ये स्ट्रेट, ये लेटरल पैराबोला, और एसिलेशन कांस्टेंट, इसी को ये रिप्लिकेट कर रहा, देख एक्स एक्स टी का ग्राफ, एक्स प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर मतलब पैराबोला, वी प्रोपोर्शनल टी मतलब स्ट्रेट लाइन, वी प्रोपोर्शनल टी एसिलेशन, ए प्रोपोर्शनल टू रूट एक्स मतलब देखो लेटरल पैराबोला, सर ये तो जो एमआर स्टार था वो कई जगह काम आ गया, हाँ इसके ग्राफिकल एनालिसिस में भी एज इट इज काम आ गया, अगर मैं ग्राउंड से फेंकता हूँ बेटा, ग्राउंड से फेंकता हूँ, उससे पहले एक सवाल कर लेते हैं ये वाले, कि मान लो कि एच हाइट से यहाँ पे रेगुलर इंटरवल में ड्रॉप गिर रहा है, तो अगर रेगुलर इंटरवल में ड्रॉप गिर रहा है, ये रेगुलर इंटरवल में मान लो फर्स्ट ड्रॉप यहाँ है, तो यहाँ पे तुम्हारा सेवेंथ ड्रॉप आया, सेवेंथ ड्रॉप जस्ट अबाउट टू स्लाइड, तो सिक्स्थ यहाँ होगा, फिफ्थ यहाँ होगा, फोर्थ यहाँ होगा, थर्ड यहाँ होगा, सेकेंड यहाँ होगा, मानते हो क्या, हाँ सर मानते हैं, अगर ये हाइट तुम्हारा कुछ एच है तो बताओ इस दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस होगी, कैसे करते हैं, अच्छा सेवन ड्रॉप तो कभी जाएगा नहीं, मान ले फिफ्थ ड्रॉप है, मान ले फिफ्थ ड्रॉप है, ये फर्स्ट ड्रॉप है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, और ये फिफ्थ ड्रॉप, मान ले फिफ्थ ड्रॉप, जब फिफ्थ ड्रॉप गिरने वाला था तभी पहला ड्रॉप यहां पहुंच गया, थर्ड और सेकंड के बीच में डिस्टेंस बताओ, सुनो कैसे करो, मान लो कि हर टाइम इंटरवल दो ड्रॉप के बीच का टी है, फिक्स टी है, तो ये अगर टी इज इक्वल टू जीरो पे हम गिरता हुआ मानते तो ये कितने देर पहले गिर चल चुका था टी टाइम तक, ये सर ये टू टी टाइम हो जाएगा, ये थ्री टाइम हो जाएगा, ये फोर टी हो जाएगा, इतना क्लियर है, हाँ अगर ये एक्स चला है तो पक्की बात है ये अगले टी में थ्री एक्स चलेगा, तभी तो ये टू टी तक चल चुका होगा, थर्ड ड्रॉप तक के पास पहुंचेगा, ये फाइव टी फाइव एक्स चलेगा और ये सेवन एक्स चलेगा, एक्स थ्री एक्स फाइव एक्स सेवन एक्स, हाँ एक तीन पाँच सात सही है, तो ये जो हो गया 7, 5, 12, 12, 3, 15, 16 बराबर एच, एक्स बराबर होगा तेरा एच वाई 16, हाँ कि ना, सर एच वाई 16 हो जाएगा, अगर हाइट हमें एच दिया तो ये एक्स हो जाएगा एच वाई 16, और ये डिस्टेंस कितना है 5x, थर्ड और सेकंड ड्रॉप के बीच में कितना है 5x, तो 5 HY 16 आंसर, बिजी होता है ऐसे हम करेंगे, और अच्छा ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन अगर हम देखते हैं, क्या देखते हैं बेटा ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन, इसमें एक खास बात है कि मान लो हमने ग्राउंड से फेंका यू स्पीड से, तो पक्की बात है कि ये जाके कहीं रुकेगा, क्योंकि हम स्केल वेलोसिटी के बराबर तो वेलोसिटी दे नहीं रहे, हाँ सर पक्की बात है ये जाके कहीं रुकेगा, और फिर वो यू टर्न लेके नीचे आएगा, हाँ यू टर्न लेके नीचे आएगा, कितनी देर बाद रुकेगा, अगर इसकी वेलोसिटी हम यहाँ जीरो मान ले, एसिलेशन नीचे जी है, तो फर्स्ट इक्वेशन मोशन लगा दे, वी फाइनल वेलोसिटी जीरो इनिशियल यू, वी बराबर यू प्लस एटी फाइनल जीरो, और ये यू माइनस जी टी इज इक्वल टू जीरो, तो टी बराबर आएगा यू बाई जी, कितने देर बाद रुकेगा यू बाई जी, अपवर्ड जर्नी का टाइम होगा यू बाई जी, और फिर उतनी ही देर बाद उतनी ही स्पीड गेन करता हुआ नीचे की तरफ आएगा, वेलोसिटी अपोजिट हो जाएगा, इसको नीचे आने का टाइम कितना लगेगा यू,
इसका एक्सीलरेशन है नीचे की तरफ 10। एक्सीलरेशन का मतलब होता है कि वेलोसिटी में उतना ही चेंज करेगा पर सेकेंड। अगर मोशन के अपोजिट है एक्सीलरेशन तो उतना छीनेगा, मतलब इजेक्ट कर देगा, इजेक्ट मतलब ले लेगा। और अगर मोशन के डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है तो उतना ही वेलोसिटी पर सेकेंड उसको दे देगा। अगर आप यहां पे इसको फेंकते हो बेटा 100 मीटर पर सेकेंड से, तो हर सेकेंड में इतनी वेलोसिटी छीन लेगा। एग्जैक्टली एक सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी होगी 90, दो के बाद 20 छीन लेगा 80, तीन के बाद 70, चार के बाद 60, पांच के बाद 50, 100 है 5 सेकेंड में 50 छीन लेगा तो 50 बचेगा। तो ऐसे तो 10 सेकेंड में रुक जाएगा। हाँ, तो यू बाई जी कर दो, ये यू है 100, जी 10 से डिवाइड करोगे 10 सेकेंड का। मैक्सिमम हाइट होता है यू स्क्वायर बाई 2 जी। क्या एकदम एक्सट्रीम हैप्पीनेस है, एकदम एक्सट्रीम हैप्पीनेस की अनुभूति है, एकदम चरम सुख की अनुभूति, एकदम एक्सट्रीम हैप्पीनेस है, यू बाई जी के बाद रुक जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट होगा इसका 2 यू बाई जी, अपवर्ड जर्नी यू बाई जी, डाउनवर्ड जर्नी यू बाई जी। इस पर खूब सारे सवाल पूछेंगे। क्या पूछेंगे इस पे? जैसे मैंने मान लो 60 मीटर पर सेकंड से ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया, ये रहा सवाल कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को मैंने 60 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया है तो अपवर्ड जर्नी का टाइम बताओ क्या होगा। अपवर्ड जर्नी का टाइम होगा 6 सेकंड, डाउनवर्ड जर्नी का टाइम होगा 6 सेकंड। 6 सेकंड में बेटा 180 मीटर ऑब्जेक्ट चलता है, देख लो ना टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट देखो 12 सेकंड आएगा। मैक्सिमम हाइट क्या होगी 180 मीटर, देखो मैंने पहले बता दिया था। 7 सेकंड के बाद वेलोसिटी देखो, तो 60 मीटर पर सेकंड मैंने वेलोसिटी दी है और मैं 7 सेकंड के बाद वेलोसिटी देख रहा हूं, तो हर सेकंड में वो कितनी छीनेगा 10, तो 6 सेकंड के बाद तो जीरो कर देगा, फिर वो देना शुरू करेगा, तो 10 मीटर पर सेकंड आंसर आना चाहिए। देखो डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा इसलिए -10 है ये। क्या डिस्प्लेसमेंट इन 8 सेकंड, तो 6 सेकंड में रुक जाएगा, 180 चल के रुक जाएगा और 8 सेकंड बोला है, मतलब 2 सेकंड नीचे चलेगा, 2 सेकंड में 20 मीटर चलता है नीचे जाते समय, तो 180 में से 20 घटा दो 160 आंसर आएगा। देखो 160 आंसर। डिस्टेंस इन 8 सेकंड का, और डिस्टेंस होता है टोटल पाथ लेंथ, 180 चला फिर 20 चला 200 आएगा, देख कहीं है 200 देख। मतलब मैं कह रहा हूं कि मोशन अंडर ग्रेविटी के जितने नीट में सवाल आए ना बिना कलम चलाए मैं सारे का आंसर निकाल सकता हूं, और मैं नहीं तुम निकाल सकते हो, बोलो हाँ कि ना। कोई भी सवाल हो, डिस्टेंस इन 9 सेकंड, अब 9 सेकंड वही से सवाल का 9 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस पूछा है, क्या डिस्टेंस 9 सेकंड में, तो 6 में रुकेगा और 7वां सेकंड 8वां हो जाएगा 9वां हो जाएगा, 9वां मतलब नीचे गिरते हुए तीसरा, तीसरे में चलता है 25 आंसर आएगा। डिस्टेंस इन लास्ट सेकंड ऑफ अपवर्ड जर्नी, लास्ट सेकंड ऑफ अपवर्ड जर्नी फर्स्ट सेकंड ऑफ डाउनवर्ड जर्नी सेम होगा 5 मीटर होगा ही होगा। सर अच्छा सवाल इस पे करा दो, एक आध दो, एक बढ़िया सवाल कराता हूं, रुक जा मैं लिख के लाया हूं, बढ़िया सवाल कराता हूं, रुक जा कर कर ये सवाल कर, मजा ना जाए तो पैसा वापस, अटेम्प्ट कर और इसका आंसर लिखना होमवर्क स्लाइड 56, स्लाइड 56 बढ़िया सवाल लिखा है, मतलब है बहुत इजी, इन पढ़ के करने में लगेगा टाइम लगेगा, जैसे नीट डिमांड करता है ना कि ट्रिकी हो इजी हो समझने में टाइम लगे कंसेप्चुअल हो, वो है बस। क्या देखो, बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकंड, देन रेशियो वेलोसिटी आफ्टर थर्ड सेकंड एंड फिफ्थ सेकंड विल बी एक्स बटा एक्स प्लस वन बटा एक्स, देन वैल्यू ऑफ एक्स इज। सबसे पहली बात इसका आंसर कमेंट करना, सब लोग वेरीफाई करना उसके आंसर को, लाइक करके या कमेंट करके, हाँ ये सही है, जिसको नहीं समझ में आ रहा कमेंट चेक कर लेना। दूसरी बात देख के मत करना, अल्तु में तुम्हारा 3 गुना टाइम लगेगा और आंसर नहीं आएगा, मैं लिख के देता हूं। देख के गेस मत करना, सॉल्व ही करना। मान लो कोई ऑब्जेक्ट T1 और T2 टाइम पे सेम हाइट पर है, तो T1 प्लस T2 तुम्हारा जो होगा टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, क्योंकि यहां से यहां तक जाने का T1 टाइम है और यहां से यहां तक आने का T2 टाइम है, तो ये टोटल T2 और यहां से यहां तक T1, तो ये T1 ऐड होकर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। अगर पूछेगा कि T1 और T2 पे सेम हाइट में तो वो हाइट बताओ, तो हाइट याद रखना हाफ जी T1 इंटू T2 याद रख लेना। अपवर्ड जर्नी और डाउनवर्ड जर्नी एकदम सिमेट्रिक होता है। ग्राफ जब ऑब्जेक्ट को नीचे से फेंका है, तो ऑब्जेक्ट को नीचे से फेंका है तो पूरे जर्नी में एक्सीलरेशन तो कॉन्स्टेंट ही रहेगा। रिफरेंस अगर नीचे तुम माइनस मानते हो तो माइनस एक्सीलरेशन होगा, नीचे प्लस मानोगे तो प्लस होगा। अच्छा, वेलोसिटी लिनियरली घटता जाएगा और टी इज इक्वल टू यू बाई जी पे जीरो हो जाएगा, फिर यू बाई जी तक नीचे चलता जाएगा, तो टोटल टाइम 2u/g तक देखो स्पीड फिर से उतना ही वी गेन हो गया, लेकिन वेलोसिटी देखेंगे तो माइनस भी होगा। स्पीड और टाइम ग्राफ बनाते तो कैसा बनता, तो नीचे जाता फिर ऊपर उठ जाता, देखो नीचे गया फिर ऊपर उठ गया,
डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा होगा सर? पैराबोलिक होगा, और इस तरह का पैराबोलिक होगा, क्यों? क्योंकि टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट बढ़ा और फिर घटता हुआ फाइनल डिस्प्लेसमेंट देखो क्या हो गया, जीरो। दूसरी बात, इसको समझने के लिए एक आसान चीज, इसका स्लोप देखो और इसका स्लोप वेलोसिटी टाइम को बताना चाहिए। अभी देखो वेलोसिटी ज्यादा है ना, देखो इसका स्लोप पॉजिटिव एंड ज्यादा है, स्लोप धीरे धीरे घट के जीरो हो गया, देखो यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो गया। फिर से स्लोप निगेटिव होना चाहिए, देखो स्लोप निगेटिव। डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगा? डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव है होता है, वो बढ़ता जाता है, देखो डिस्टेंस बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा, फिर से डिस्टेंस बढ़ रहा, देखो ना डिस्टेंस वाई एक्सिस पे, देखो डिस्टेंस बढ़ ही रहा है ना लगातार। तो टेढ़ा क्यों बना है? क्योंकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप स्पीड बताएगा, पहले स्पीड ज्यादा था, स्पीड घट रहा है, तो देखो इसका स्लोप घट रहा है, फिर स्पीड बढ़ रहा है, देखो इसका स्लोप बढ़ रहा है, सिंपल सा बात होता है। अपवर्ड जर्नी और डाउनवर्ड जर्नी के टाइम का रेशियो याद रखो रूट अंडर जी माइनस ए बटा जी प्लस ए, डाउनवर्ड का टाइम ज्यादा होगा। मान लो एयर फ्रिक्शन लग रहा है, तो एयर फ्रिक्शन लग रहा है तो एयर फ्रिक्शन हमेशा मोशन के अपोजिट लगता है। मान लो ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा, नीचे जी लग रहा, नीचे एयर फ्रिक्शन लग रहा, तो पहले जी रोक रहा था, अब जी प्लस ए दोनों रोकेगा तो टाइम कम लगेगा। और नीचे जब आएगा डाउनवर्ड जर्नी में, जी तो नीचे खींच रहा लेकिन ए नीचे नहीं जाने दे रहा, अगर जी होता तो जल्दी ले आता। तो यहां पर टाइम जो डाउनवर्ड होगा, डाउनवर्ड जर्नी का टाइम ज्यादा होगा, अपवर्ड जर्नी का टाइम कम होगा, क्योंकि दोनों मिलकर रोक लिया और ये नीचे आने से ये रोक रहा है तो टाइम ज्यादा लगेगा। देखो टाइम ज्यादा लगेगा, डाउनवर्ड जर्नी का टाइम ज्यादा लगेगा, देखो ज्यादा है टाइम। और एयर फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी कम होती है, मान लो यू से फेंका और वी से कोलाइड किया तो वी कम होगा, देखो देखो वी ऑफ कोलिजन कम है, डाउनवर्ड जर्नी का टाइम ज्यादा है, वी ऑफ कोलिजन कम है। तो अपवर्ड और डाउनवर्ड जर्नी का टाइम ये होता है ए, जहां पे एयर फ्रिक्शन है, ये क्या है एयर फ्रिक्शन। अगर मान लो किसी एच हाइट से बॉल को तुमने प्रोजेक्ट किया, जैसे नीट 23 में भी सवाल पूछा था, तो बहुत आसान सवाल पूछा था, कोई खास बात नहीं, यहां से बॉल को प्रोजेक्ट किया तो तुम इसको 0.0 ले लो, नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव और ऊपर को निगेटिव ले लो, तो यू मेरा निगेटिव हो जाएगा। तो मान लो ऑब्जेक्ट यहां से गया ऊपर रुका और नीचे तक पहुंचा, तो ये टोटल हो गया तुम्हारा जर्नी, इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा प्लस एच, ये 0.0 है, यहां से और यहां के बीच का फाइनल इनिशियल लेंथ ये आ गया एच, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया तुम्हारा एच, तो डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा हो गया एच, एक्सीलरेशन हो गया प्लस जी, इनिशियल वेलोसिटी हो गया माइनस यू, है ना, और टाइम ऑफ द फ्लाइट टी। तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्वाड्रेटिक बना लो, आराम से क्वाड्रेटिक बना, और फिर उस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके देखो, मैथमेटिकली लेंथी सवाल कभी भी नीट में नहीं पूछते, तो बड़ी आसानी से इस क्वाड्रेटिक से हो जाएगा। क्वाड्रेटिक सॉल्व करके ये कुछ टाइम ऐसा दिखता है। लेकिन अगर हम मैं पूछूं कि मैंने यू जीरो रखा यहां से, तो ड्रॉप हो गया सर, ड्रॉप में तो रूट अंडर टू एच बाई जी टाइम आता है, तो यू को जीरो रखो, यू जीरो रूट अंडर टू एच बाई जी, क्या ये वेरीफाई हो गया ड्रॉप वाला केस? ड्रॉप करते तो नीचे गिरने में टाइम लगता है, रूट अंडर यू बाई जी, सर टू एच बाई जी, वो टू एच बाई जी आ गया। सर अगर एच ही जीरो होता तो, और ऊपर फेंकते एच जीरो होता तो, एच जीरो होता तो मोशन अंडर ग्रेविटी होता ग्राउंड टू ग्राउंड, तो टाइम आता टू यू बाई जी, एच जीरो रखो, रूट अंडर यू स्क्वायर बाई जी स्क्वायर, रूट से बाहर जाएगा यू बाई जी प्लस यू बाई जी टू यू बाई जी। देखो ये मास्टर का फील जोरदार है कि नहीं, नेक्स्ट नेक्स्ट पे होगा, अगर एच को जीरो माने तो, एच को जीरो माने तो देखो टाइम ऑफ फ्लाइट टू यू बाई जी। एक्चुअल में ये जो केस है, अगर मैं एच को जीरो मानता हूँ तो ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन हो गया, और यू को जीरो मानता हूँ तो ड्रॉप का मोशन हो गया, तो क्या ये जनरलाइज मोशन पहले वाले दोनों मोशन को खुद ही इंक्लूड कर रहा था? अच्छा एक सवाल आता है कि ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया तो टाइम लगा टी, नीचे यू स्पीड से फेंका तो टाइम लगा टी वन, ऊपर यू स्पीड से फेंका तो टाइम लगा टी टू, इसको अरेंज करो, ऑब्वियस सी बात है टी टू तुम्हारा ज्यादा होगा, टी टू तुम्हारा ज्यादा होगा और टी वन तुम्हारा कम होगा, क्यों? क्योंकि ऊपर फेंका है ना, तो ऊपर जाके कहीं रुकेगा फिर नीचे गिरेगा, और ये जो टी होगा ये ऊपर जाएगा कहीं रुकेगा और यहां जाके रुका फिर रुक के गिरा, तो ये टी टू टाइम तो टी से ज्यादा ही होगा, टी से ज्यादा, अरे ये तो यहीं से ड्रॉप किया मैंने, ड्रॉप किया तो यहां पे वेलोसिटी इसकी जीरो है, नीचे ग्राउंड तक जाना है, इसको ऊपर फेंका ये रुका फिर आया था, रुका वेलोसिटी जीरो, तो जीरो वेलोसिटी के साथ चल के नीचे गिरा और ये भी जीरो वेलोसिटी के साथ नीचे गिरा, तो रिलेशन इसका होगा टी टू इज ग्रेटर देन टी एंड टी इज ग्रेटर देन टी वन, क्यों? क्योंकि इसी हाइट से इसको नीचे फेंका है। तो तीन सिचुएशन हो गए समझना, कि मैं ग्राउंड से एच हाइट पर जाके एक ऑब्जेक्ट को नीचे फेंक दू, तुरंत भागता हुआ है ना, नीचे फेंका है और इसको ड्रॉप किया है, यू जीरो है और इसको यू से ऊपर फेंका है, इन दोनों में टाइम अगर ये टी वन है ये टी टू है, डायग्राम नया बना लो भाई, इन दोनों में टाइम बताओ क्या होगा? इसको ड्रॉप किया तो ये धीरे धीरे आएगा, इसको पहले ही फेंक दिया था तो टी वन कम लगेगा टी टू ज्यादा लगेगा ड्रॉप करने वाले केस में, ऊपर फेंका है तो ऊपर जाके रुकेगा, रुक गया तो वेलोसिटी जीरो, तो फिर यहां से ड्रॉप होने का केस आएगा,
ये तो यहां से आ रहा है, ड्रॉप होके तो टाइम और ज्यादा लगेगा, T3 सबसे ज्यादा लगेगा। क्लियर है क्या? अब इसमें जो रिलेशन होता है ड्रॉप करने का जो टाइम होता है होता है रूट अंडर T1 इंटू T3 के प्रोडक्ट। ऊपर वाला सिचुएशन पढ़ लो, वही बता रहा है, ये याद रख लो, ड्राइव करने में 5-7 मिनट लग जाएगा। ये तुम्हारा होमवर्क है, अच्छा सवाल है, स्लाइड 62। स्क्रीन पॉज करके पहले ट्राई कर लो, फिर मैं आंसर बता रहा हूँ। पहले स्क्रीन पॉज करके ईमानदारी से ट्राई करो, फिर मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। 4th आएगा क्योंकि लिफ्ट एक्सेलरेटेड नहीं है। अगर लिफ्ट नीचे एक्सेलरेटेड होता टाइम ज्यादा लगता, लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेटेड है तो टाइम कम। देख लेना जो बोला है वो सही बोला है कि नहीं, ये कमेंट करके। नेक्स्ट, पर्सन सिटिंग ऑन द ग्राउंड फ्लोर नोटिस दैट द विंडो ऑफ हाइट 1.5 मीटर, एक विंडो है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर। ड्रॉप अ बॉल फ्रॉम द रूफ ऑफ द बिल्डिंग, मतलब कहीं यहां से ड्रॉप किया, क्रॉसेस द विंडो इन इतना सेकेंड, इतना सेकेंड में विंडो को क्रॉस कर गया है 0.1 सेकेंड। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल व्हेन इट एट द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द विंडो, यहां पे जब है तो वेलोसिटी बॉल की क्या रही होगी? एक बात बताओ, एक्सीलरेशन तो बाय डिफॉल्ट हमें पता है जी के बराबर है। हाँ सर, एक्सीलरेशन पता चल गया, डिस्प्लेसमेंट पता चल गया, टाइम पता चल गया, तो इनिशियल वेलोसिटी निकाल दे, एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगेगा। कैलकुलेशन ही करना है, कोई रफ टफ सवाल नहीं है, बी आंसर आएगा, होमवर्क है तुम्हारा, आंसर वेरीफाई करके देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये एक बढ़िया सवाल है। NCC परेड इज गोइंग ऑन अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में चेंज करके बताओ तो एक बार। 9 किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कटेगा 9 × 2 = 18, 2, 5/2 मतलब 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो ये परेड चल रहा है, ये NCC के कैडेट है, ये NCC के कैडेट है, ये परेड चल रहा है 2.5 मीटर पर सेकेंड से। अंडर द मैंगो ट्री अ मंकी सिटिंग ऑन द हाइट 20 मीटर, सर 19.6 है, 20 मीटर लेंगे, 20 मीटर। एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट द मंकी ड्रॉप अ मैंगो, मंकी ने मैंगो को ड्रॉप किया, कैडेट विल रिसीव द मैंगो, मान ले ये ड्रॉप किया तो इसको ड्रॉप करके 20 मीटर आने में टाइम लगेगा, अब तक तो आगे चला जाएगा, तो कितने मीटर पीछे वाला कैडेट को ये मैंगो मिलेगा? कैडेट विल रिसीव द मैंगो हुज डिस्टेंस फ्रॉम द ट्री एट द टाइम ऑफ ड्रॉप ऑफ द मैंगो इज, और इनका सवाल है। लेकिन सवाल पढ़ने में, समझने में, कंसेप्ट क्या लगेगा ये बताने में टाइम तो लगेगा, करो तो जरा। ये CW है, क्लास वर्क है, बाद में कमेंट नहीं करना, अभी करो स्क्रीन पॉज करके फटाफट देखो इसका आंसर क्या होगा। ऐसा है कि यहां से जब मैंने इसको ड्रॉप किया तो 20 मीटर चलने में 2 सेकंड का टाइम लगेगा, तो हाँ की ना, हाँ सर, तो 2 सेकंड में यहां कौन पहुंचेगा वो देख लो, स्पीड अगर 2.5 मीटर पर सेकंड है तो 2 सेकंड में 5 मीटर वाला यहां पहुंचेगा, 5 मीटर इज आंसर, तो 2 लाइन में नहीं लगा, नहीं लगेगा। कितने लोगों ने सोच के कर लिया बताओ, स्लाइड 64 सोच के कर लिया बताओ, स्लाइड 64 सोच के कर लिया बताओ। वाटर ड्रॉप फॉलिंग नोजल ऑफ सावर ऑन टू द फ्लोर हाइट 10 मीटर, 9.8 का मतलब 10 मीटर है, फ्लोर से ये 10 मीटर है। रेगुलर इंटरवल टाइम व्हेन द फर्स्ट ड्रॉप स्ट्राइकिंग द फ्लोर, फर्स्ट ड्रॉप स्ट्राइकिंग द फ्लोर एट दैट इंस्टेंट द थर्ड ड्रॉप बिगिंस टू फॉल, अरे बहुत आसान है, थर्ड है तो सेकेंड यहाँ होगा, ये तो बहुत आसान हो गया। लोकेट द पोजिशन ऑफ द सेकेंड ड्रॉप, वेरी इजी। अरे तो PYQ नहीं है, करके देख ले, मिला ले, वेरी इजी। ये अगर T = 0 मान लेता हूँ समय में अभी, तो ये T सेकेंड पहले चला था, तो ये 2T सेकेंड पहले चला था। अगर मैं इसको x मानूंगा तो ये 4x होगा, तो 4x बराबर 10, तो x बराबर होगा 10/4, नहीं 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 ये टोटल 4x हो जाएगा ना, हाँ टोटल 4x, तो 4x बराबर 10 आएगा, 4x बराबर 10 आएगा, तो x बराबर हो गया 10/4। तुमसे ये पूछा है कि x है, ये टोटल 4x, तो 3x होगा, सेकेंड का पोजिशन 3x, तो 3 × x की वैल्यू 10/4, 30/4 आएगा, 30/4 7 × 28 7.35 मीटर होगा क्या? देखो तो डी आंसर आ रहा, क्या सी आंसर बता रही है, नहीं डी है, सही है। नेक्स्ट, बैलून वॉज मूविंग अपवर्ड विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, एक बैलून है जो ऊपर चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड। एन ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनाइट मास ड्रॉप फ्रॉम द बैलून व्हेन इट वाज अ हाइट ऑफ 75 मीटर, 75 मीटर हाइट से ड्रॉप किया फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, द हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड व्हेन ऑब्जेक्ट स्ट्राइकिंग द ग्राउंड वाज अराउंड, ओरे बॉप रे। सबसे पहले सवाल पढ़ के
कमेंट करो कि तुम्हें मजा आया कि नहीं आया। और ये तुम्हारा होमवर्क है, इसका आंसर तुम कमेंट करोगे। स्लाइड 66 सुनो, ऐसा बैलून वाला एक PYQ भी था, बदल दिया, मेहनत लगी है। सवाल देखो कितना क्रिएटिव है, वो कुछ और था, ये कुछ और है। यहां से जब भी किसी मूविंग फ्रेम से ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हो तो इतना याद रखना, मूविंग फ्रेम से जब ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हो तो इतना याद रखना कि उसकी वेलोसिटी शेयर हो जाती है एग्जैक्टली, लेकिन एक्सीलरेशन नहीं। अगर मैंने ड्रॉप किया तो इसकी वेलोसिटी एक्चुअल में 10 होगी, ठीक है, 10 मीटर होगी, तो 1 सेकेंड में रुक जाएगा ना, हाँ 1 सेकेंड में ये रेस्ट में आ जाएगा। 1 सेकेंड में कितना मीटर चल के, 5 मीटर चल के रुक जाएगा 1 सेकेंड में, तो टोटल हाइट हो गई 80 मीटर। और 80 मीटर से जब नीचे गिरेगा तो इसको 4 सेकंड टोटल लगेगा, तो क्योंकि ये यहाँ से 1 सेकंड चल के ये रुकेगा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। और यहाँ पे 0 से और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, कांस्टेंट एक्सीलरेशन से 4 सेकंड में 80 मीटर चल जाएगा, तो टोटल जर्नी तुम्हारा टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया ऑब्जेक्ट का 5 सेकंड। अब बोला कि जब ये टकराया तो ये कहाँ होगा, तो ये 10 मीटर पर सेकंड से 5 सेकंड में कितना चलेगा, क्योंकि ये तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी चल रहा है, बैलून वाज मूविंग अप विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो 50 मीटर चलेगा क्योंकि s बराबर ut हो गया, क्योंकि इस पर एक्सीलरेशन का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। ये 5 सेकंड में कितना चलेगा, 10 × 5 50 मीटर, पहले था 75 पे, 75 और 50 125 मीटर आंसर है, बी आंसर होगा, ए बी आंसर है। कैसा लगा सवाल बताओ, कैसा लगा पहले ये बताओ। नेक्स्ट ग्राफ, तो ग्राफ में किसका वेलोसिटी क्या बताएगा, किसका स्लोप क्या बताएगा, किसका एरिया क्या बताएगा, वो तो नाली कंसेप्ट। XT ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी, VT ग्राफ का स्लोप एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का स्लोप कभी मत निकालना, नाली मिलेगा। इसका एरिया चेंज इन वेलोसिटी, और इसका एरिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया पोजिशन डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट, और इसका एरिया नाली। तो बताओ एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा, सर वेलोसिटी को, एक्सटी ग्राफ का एक्स का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी, एक्स का स्लोप भी वेलोसिटी, एक्सटी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का स्लोप नाली, ओ नाली में नहीं जाना, तो ए का स्लोप नहीं देख, एक्सीलरेशन का कभी स्लोप मत देखना क्योंकि नाली मिलेगा। एक्सीलरेशन का एरिया अंडर द कर्व चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी का एरिया अंडर द कर्व डिस्प्लेसमेंट, ये देखना है। अब पॉइसन टाइम ग्राफ देखो, ऐसा अगर पॉइसन टाइम ग्राफ में बनाऊं तो सर पॉइसन टाइम ग्राफ का स्लोप तो वेलोसिटी बताता है, और एक्स एक्सिस के पैरेलल स्लोप 0 तो वेलोसिटी 0 मतलब रेस्ट को बता रहा है। इसका स्लोप पॉजिटिव एंड कांस्टेंट है तो वेलोसिटी पॉजिटिव एंड कांस्टेंट होगा, इसका स्लोप नेगेटिव एंड कांस्टेंट देखो वेलोसिटी नेगेटिव एंड कांस्टेंट होगा। देखो हंसता हुआ ग्राफ है, स्लोप पॉजिटिव है और लगातार बढ़ रहा है, एक्सटी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी पॉजिटिव है और लगातार बढ़ रहा है, तो एक्सीलरेशन भी पॉजिटिव आ जाएगा। इसका वेलोसिटी अभी देखो ज्यादा है और धीरे धीरे वेलोसिटी घट रहा है, तो वेलोसिटी पॉजिटिव में घट रहा है तो एक्सीलरेशन नेगेटिव होगा, क्योंकि वेलोसिटी घट रही है ना भाई, पॉजिटिव है और घट रही है, पॉजिटिव है और घट रही है, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व डिस्प्लेसमेंट बताता है, तो इसका एरिया पॉजिटिव इसका नेगेटिव लेते हैं तो टोटल डिस्प्लेसमेंट a1 - a2 होगा, लेकिन डिस्टेंस निकालेंगे तो दोनों को ऐड कर दो। अगर ऐसा ग्राफ है इसका स्लोप 0 है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप 0 है तो क्या वेलोसिटी 0 होगी, नहीं एक्सीलरेशन 0 होगी ना, क्योंकि VT ग्राफ का स्लोप एक्सीलरेशन को बताता है। इसका स्लोप नेगेटिव है तो देखो एक्सीलरेशन नेगेटिव होगा, इसका स्लोप यहां पे 0 है तो एक्सीलरेशन 0, और लगातार स्लोप बढ़ रहा है, VT ग्राफ का स्लोप बढ़ रहा है तो एक्सीलरेशन बढ़ रहा होगा। वेलोसिटी कैसे बढ़ रहा है, अबे कोऑर्डिनेट देखना, वाई पे वेलोसिटी तो वेलोसिटी भी तो बढ़ेगी, ऐसा ग्राफ बना है तो इसमें वेलोसिटी क्या हो रही है, सर बढ़ रही है, वाई कोऑर्डिनेट तो बढ़ ही रहा है ना, वेलोसिटी बढ़ रही है, लेकिन इसका स्लोप घट रहा है तो देखो एक्सीलरेशन घट रहा होगा। अगर मैं इस दोनों एरिया को जोड़ दूं तो हमें टोटल डिस्टेंस पता चल जाएगा, और एरिया को घटा दूं तो हमें डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा, क्या ये समझते हैं सर। वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ का स्लोप क्या होगा, तो देखो इसका स्लोप मतलब डिफरेंशिएशन, dv/dx स्लोप को बताता है, बात करता हूं स्लोप क्या होगा dv/dx, तो हम जानते हैं a बराबर होता है v इंटू dv/dx, dv/dx को क्या कह सकते हैं a/v, तो dv/dx को क्या कह सकते हैं a/v, तो स्लोप किसको बताएगा a/v को। इतना ही अगर तुम्हें पता रहे याद रहे तो काम हो जाएगा। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप देखेंगे नहीं, नाली बताएगा, और एरिया अंडर द कर्व चेंज इन वेलोसिटी, ये एरिया पॉजिटिव ये एरिया निगेटिव, इससे ज्यादा नीट में कुछ नहीं आता। स्लोप क्या बताएगा, at का स्लोप नाली, एरिया टोटल चेंज इन वेलोसिटी, ये ऊपर पॉजिटिव एरिया निगेटिव, नीचे निगेटिव एरिया बनता है। ये VT ग्राफ है भाई, ठीक है, वीटी ग्राफ में क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछा है टोटल, तो ये एरिया एरिया निकाल के जोड़ दो, देखो दिनों जोड़ दिया सब। डिस्प्लेसमेंट पूछा था, ये एरिया जोड़ दो और इसको निगेटिव को घटा दो, 40 मीटर आंसर आ जाएगा।
क्लियर है क्या? आसान है। अब मैंने एक सवाल बना है बहुत सुंदर, ठीक है, कंसेप्ट हमें पढ़ना था, किसका स्लोप क्या बताता है, अच्छा ग्राफ कैसा होता है तो स्लोप क्या हो, ग्राफ अगर एक्स से पहले तो स्लोप जीरो, ग्राफ अगर ऐसा है तो स्लोप कांस्टेंट, और ग्राफ ऐसे हो जाएगा, रेखा लेटी हुई से उठ जाएगी तो स्लोप बढ़ेगा, और पहले लेटी हुई है, पहले लेटी हुई है उठेगी तो स्लोप बढ़ेगा, पहले उठी हुई है और लेट जाएगी तो स्लोप घटेगा, खत्म। और किसका ग्राफ का स्लोप क्या बताया गया तुम्हें पता है, ये बता दिया, कंसेप्ट पढ़ा दिया। सवाल कैसे आ सकते हैं, तो कोई रॉकेट साइंस नहीं आएगा, ये आएगा सवाल, चार सवाल मिला के जो सवाल बन सकते हैं ना वो मैंने लिखा है, वो मैंने लिखा है, करो क्या करें सर, मैट्रिक्स मैच का सवाल है, करो सर मिला देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये रेस्ट में है, क्यों? क्योंकि इसकी पोजीशन फिक्स है, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी बताता है, स्लोप जीरो तो यहाँ पे वेलोसिटी जीरो का रेस्ट को बताएगा, ये तुम्हारा दूसरा आएगा, बी में क्या आ जाएगा, दूसरा, और यहाँ पे कॉन्स्टेंट वेलोसिटी को बता रहा है, मतलब यूनिफॉर्म मोशन को बताएगा, तीसरा। यहाँ पे क्या है कि अभी वेलोसिटी जीरो है, लगातार वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, यहाँ पे वेलोसिटी है और स्लोप देखो ना, ये एक्स टी ग्राफ है, इसका वेलोसिटी अभी है और धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी की वैल्यू घट रही है, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो गई, मतलब ये रिटार्डेशन है, तो डी तुमको रिटार्डेशन को बताएगा, ये पहले को बताएगा, और सी तुम्हारा चौथे को बताएगा, एक्सीलरेशन को बताएगा, हो गया। मतलब अगर मैं यहाँ लिखूँ तो मतलब ये तुम्हें लिखना है भाई, होमवर्क है, मैं क्यों लिख के अपना समय खराब करूँ, सही बताया ना वो बता। अब देखो वी टी ग्राफ है, अब इसको मिलाना है मैट्रिक्स मैच, जो पढ़ा है स्क्रीन पॉज करके मिलाओ, होमवर्क स्लाइड 72, स्लाइड 72, ये देखो, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज 10 मीटर पर सेकंड, देन फाइनल वेलोसिटी एट 10 मीटर पर सेकंड, सॉरी 10 सेकंड, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी बताना है, मेरी बात सुनना ध्यान से। देखो ये एटी ग्राफ है, एटी ग्राफ का जो भी एरिया आएगा चेंज इन वेलोसिटी को बताएगा, चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बराबर एरिया। अच्छा तो ये एरिया निकाल लो, ये ट्रायंगल हो गया, छोटा ट्रायंगल, हाफ बेस इंटू हाइट, ये हाइट इंटू बेस, ये रेक्टेंगल हो गया, ये एरिया निकाल दो और ये निगेटिव एरिया है, तो ये जोड़ के इसको घटा देना ना? ये टोटल एरिया आ जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी हमें बता दिया तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ से निकल जाएगा। स्लाइड 73, बहुत इजी है भाई, मतलब 5-10 होमवर्क दूंगा ना। द पोजिशन टाइम ग्राफ फॉर द पॉजिटिव एक्सीलरेशन इज, ये पोजिशन टाइम ग्राफ बना है चार, इसमें पॉजिटिव एक्सीलरेशन किस में होगा ये पूछा है, एक्सीलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, सर एक्सीलरेशन जीरो नहीं हो सकता, जीरो पॉजिटिव तो नहीं होता, मतलब एक्सीलरेशन की वैल्यू कुछ ना कुछ पॉजिटिव आनी चाहिए, कौन से ग्राफ में होगा? अरे तो पोजीशन टाइम ग्राफ है, इसका स्लोप वेलोसिटी देता है, हाँ, और हमसे एक्सीलरेशन पूछ रहा है, हम कैसे करेंगे? नो, पोजीशन टाइम ग्राफ से वेलोसिटी का पैटर्न देखो, या एक्स टी ग्राफ से वीटी बना लो, एक्स टी ग्राफ का स्लोप वी को बताएगा तो इसका वीटी बना लो, यहां पे वेलोसिटी क्या है बेटा, जीरो, और लगातार तुम्हारी वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, यहां पे वेलोसिटी है जीरो और लगातार वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो वीटी ग्राफ कुछ ऐसा होगा, देखो जीरो है और बढ़ रही है, इसका वीटी क्या होगा? तो सर इसका स्लोप कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मान लो कि एक्स टी ग्राफ का स्लोप कुछ मान लो जो भी आएगा पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, तो ये बनेगा वीटी ग्राफ, इसमें तो एक्सीलरेशन जीरो है, इसका भी स्लोप कांस्टेंट है तो यहाँ वेलोसिटी निगेटिव एंड कांस्टेंट आएगा तो एक्सीलरेशन जीरो है, तो ये दोनों तो नहीं हो सकते क्योंकि इसमें एक्सीलरेशन जीरो है, और यहाँ पे क्या है कि पहले वेलोसिटी तुम्हारी कुछ है, हाँ सर वेलोसिटी कुछ है, और धीरे 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 वेलोसिटी जीरो हो गई, कुछ ऐसा बना, अब वीटी ग्राफ बन गया, हाँ अब इस वीटी ग्राफ का स्लोप देखो, इसका स्लोप पॉजिटिव, वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सीलरेशन देता है, एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, इसमें वीटी ग्राफ का स्लोप निगेटिव है तो एक्सीलरेशन निगेटिव आएगा, हमसे क्या पूछा है, पॉजिटिव एक्सीलरेशन, ए आंसर आएगा, मुश्किल सवाल था लेकिन मोक्ष मिला कि ना मिला बताओ, समझ आया कि नहीं आया? स्लाइड 74 समझ आया बेटा, प्लीज, वीटी ग्राफ ऑन इन द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट इन 25 सेकंड, रेशियो ऑफ डिस्टेंस वेलोसिटी ग्राफ है, डिस्टेंस निकालने के लिए ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये एरिया, ये एरिया, एरिया सब जोड़ दो, डिस्टेंस निकालने के लिए, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए ये एरिया जोड़ दो, उसमें से ये घटा देना, फिर उसका रेशियो देखना, ये होमवर्क है आपका। स्लाइड 75 बेटा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और जितना मैंने करा दिया ना उससे एक सवाल नीट में ज्यादा नहीं पूछ, ये है तुम्हारा एक्स टी ग्राफ, उसको वी टी ग्राफ से मिलाना है, वेरी इजी, वेरी इजी, इसका स्लोप देखना है, पहले स्लोप जीरो है फिर पॉजिटिव में स्लोप बढ़ रहा है, वेलोसिटी पहले जीरो है बढ़ रहा है, पहले का बी आएगा, देख लो पहले का बी किस में है, पहले का बी पहले में ही है बस, बाकी सब में नहीं है, तो यही आंसर आना चाहिए, बताओ क्या आंसर, ए है, खत्म। यहाँ पे
तुम्हारा एक्सटी ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव एंड कॉन्स्टेंट है, स्लोप स्लोप देखूं अगर मैं पॉजिटिव एंड कॉन्स्टेंट है, निगेटिव एंड कॉन्स्टेंट है, सी आना चाहिए, तीसरे का सी है क्या? हाँ तीसरे का सी है। चौथे का वेलोसिटी कॉन्स्टेंट होगा, चौथे का ए आएगा, चौथे खत्म, यही बात करूं मैं। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऑफ द पार्टिकल्स ऑन इन फिगर, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ठीक है। द एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऑफ द पार्टिकल विल बी, सुनो Vx ग्राफ से तुम्हें बनाना है x ग्राफ, दिमाग लगा के थोड़ा देखो, पहले वेलोसिटी कुछ है हाँ, और धीरे धीरे वेलोसिटी क्या हो रही है, घट रही है, ठीक। इस ग्राफ का स्लोप किसको बताएगा? सर dv / dx को, स्लोप मतलब डिफरेंशिएशन, Vx का dv / dx, और dv / dx होता है ay / v, होता है ay / v। अब मुझे बताओ इसका स्लोप कैसा है? सर इसका स्लोप है तुम्हारा कॉन्स्टेंट, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का स्लोप कॉन्स्टेंट होता है, निगेटिव एंड कॉन्स्टेंट, इसका स्लोप निगेटिव एंड कॉन्स्टेंट होगा, ये निगेटिव एंड कॉन्स्टेंट होगा ए बाई वी, ए बराबर होगा माइनस सी इंटू वी, ये तो फिक्स निगेटिव एंड कॉन्स्टेंट। वेलोसिटी तुम्हारा पॉजिटिव है, पॉजिटिव में धीरे धीरे घट रहा है, ये कॉन्स्टेंट और वेलोसिटी धीरे धीरे घट रहा है, तो कॉन्स्टेंट है और ये धीरे धीरे घट रहा है निगेटिव में, तो एक्सीलरेशन निगेटिव में धीरे धीरे घटेगा, एक्सीलरेशन पॉजिटिव तो आ ही नहीं रहा, और एक्सीलरेशन कॉन्स्टेंट तो आएगा नहीं, क्योंकि डीवी बाई डी एक्स तुम्हारा क्या है, वी एक्स ग्राफ का स्लोप, और स्लोप कैसा तुम्हारा, निगेटिव एंड कॉन्स्टेंट, तो ये निगेटिव एंड कॉन्स्टेंट आ गया, स्लोप ए बाई वी को बताते, तो ए बराबर होगा वी, और ये मान लिया मैंने, ये मान लिया कि निगेटिव एंड कॉन्स्टेंट है, तो ए बराबर माइनस सी वी, वेलोसिटी घटेगा तो एक्सीलरेशन भी घटेगा, क्योंकि ये तो फिक्स है, हाँ सर वेलोसिटी घटेगा तो एक्सीलरेशन घटेगा, तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, और एक्सीलरेशन निगेटिव आ रहा है, ए आंसर आएगा आपका, सोचो ये तुम्हें करना नहीं है भाई, ये मैंने बताया उसको सोचो, ए सही है, बताओ तुम्हें एकदम फील आया गया कि नहीं कंसेप्ट का, धोती को फाड़ के रुमाल बना दिया कि नहीं बना दिया, बताओ ये क्या पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल मूविंग विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, अच्छा 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 अच्छा, पोजीशन वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल मूविंग, तो ये पोजीशन टाइम वेलोसिटी टाइम एक्सीलरेशन टाइम, पोजीशन टाइम वेलोसिटी टाइम एक्सीलरेशन टाइम का पेयर बना दिया, कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए कौन सा है, सब क्या बताया है बताओ, आबा फिजिक्स में काबा, काबा फिजिक्स में काबा, एमआर स्टार के तरकाबा और काबा, सीधा आंसर बतावा, कांस्टेंट एक्सीलरेशन है तो पोजीशन प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू, और एक्सीलरेशन कांस्टेंट आएगा, तो पहला बनेगा पैराबोला, दूसरा स्ट्रेट लाइन, पहला स्ट्रेट गलत है, तीसरा स्ट्रेट गलत है, पहला पैराबोला दूसरा स्ट्रेट एकदम सही, और एक्सीलरेशन कांस्टेंट सही है, और यहाँ पे वेलोसिटी का स्लोप एक्सीलरेशन बताता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निगेटिव है, तो एक्सीलरेशन निगेटिव आना चाहिए, एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, गलत है, बी आंसर आएगा, देख और बताऊं ये जेई का सवाल है क्या है इसमें, बताओ क्या है, एमआर स्टार के बाद फिजिक्स क्या है, लप्पू सा तो फिजिक्स है, डैश है ये डैश है, फिजिक्स डैश है, जेई का सवाल है ये, क्या किया, ये बहुत काम का है, हाँ कि ना, अगर तुम्हारी मदद कर रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताओ हाँ कि ना, ये तुम्हें मैं होमवर्क देता हूँ, इस पर तुम चर्चा करना, स्लाइड 79 हो जाए तो ठीक, ना हो तो भी ठीक, ये बहुत एडवांस है, जरूरी नहीं है करना। रिलेटिव मोशन इन वन डी, ओनली रिलेटिव मोशन इन वन डी की बात करते हैं, तो सेम डायरेक्शन में हम वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी को घटाते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जोड़ते हैं, तब तक जब तक दोनों अलग अलग चल रहे, मतलब इंडिपेंडेंट मोशन, एक दूसरे के ऊपर नहीं चल रहा, एक दूसरे के ऊपर नहीं चल रहा, ध्यान से देखना, इंडिपेंडेंट अलग अलग चल रहे हैं, तो सेम डायरेक्शन में हम क्या करते हैं, सेम डायरेक्शन में क्या करते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी को घटाते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में हम रिलेटिव वेलोसिटी को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए ट्रेन, ये चल रहा है v स्पीड से, ये ट्रेन चल रहा है vv स्पीड से, दोनों की लेंथ है l1 + lb, सेम डायरेक्शन में, हाँ कितना टाइम लगेगा ओवरटेक करने में, तो जैसे ये ट्रेन चल रही और ये इसको ओवरटेक करना चाहता है, इसकी स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, आएगा आएगा आएगा, पहले इसका फ्रंट इसके बैक से टकराएगा, टकराएगा मतलब मैच करेगा, फिर ये चलना शुरू करेगा, और तब तक ओवरटेक ना कर लेगा जब तक इसका बैक इसके फ्रंट को ना ओवरटेक करे, तो एक्चुअल में रिलेटिवली अगर तुम डिस्टेंस देखो कितना चलना पड़ा, तो दोनों डिस्टेंस को ऐड करेंगे, बटा वी ए माइनस वी बी, इफ दे आर मूविंग अपोजिट, और कितने टाइम में वो क्रॉस कर लेगा तो भी डिस्टेंस ऐड होगा, लेकिन वेलोसिटी भी ऐड हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट में वेलोसिटी क्या करते हैं, ऐड करते हैं। सिंपल सवाल है ये, कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। अगर मान लो कि दो ऑब्जेक्ट हैं और दोनों सेम वेलोसिटी से सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, ये वी ए और वी बी दोनों की वेलोसिटी सेम है, तो दोनों की अगर वेलोसिटी सेम है तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो, और दोनों का वेलोसिटी सेम है तो एक्सटी ग्राफ दोनों का देखोगे, दोनों का स्लोप सेम होगा। मान लो वी ए ज्यादा है
तो अगर VA ज्यादा है तो VB को पकड़ लेगा, कहीं ना कहीं क्रॉस करेगा। देखो देखो ये तुम्हारा A है, AT ग्राफ का स्लोप देखो ज्यादा है, इसका स्लोप देखो, क्लियर है क्या? अगर VB ज्यादा है तो जो आगे चल रहा है उसकी वेलोसिटी ज्यादा, तो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। देखो ये तुम्हारा B आगे था, A पीछे था, इसकी वेलोसिटी ज्यादा, तो देखो XT ग्राफ का स्लोप ज्यादा, इसका स्लोप कम है, दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। बहुत आसान चीज है, कोई खास बात नहीं है। लेकिन मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मूविंग सरफेस, अगर मूविंग सरफेस पे तुम चल रहे हो तो सेम डायरेक्शन में मूविंग सरफेस पे चलोगे तो रिलेटिव वेलोसिटी ऐड होता है। एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूं, मैन रनिंग ऑन द सरफेस ऑफ ट्रेन विद स्पीड vm इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेन vt, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगा? तो चलती हुई चीज पे तुम चल रहे हो, मान लो ट्रेन आगे जा रही और उस पर तुम भी आगे जा रहे हो, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या हो जाएगा सर? ऐड करना पड़ेगा। यस, मैन रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा? घटेगा। जैसे मान लो ये ट्रेन है और ट्रेन आगे चल रही है 10 मीटर पर सेकंड से, तुम इस पे खड़ा हो और तुम खुद दौड़ रहे हो इस पे पीछे 10 मीटर पर सेकंड से, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तुम यहीं पे दिखाई दोगे, मुझे चलते हुए दिखाई नहीं दे, क्योंकि ट्रेन तुमको आगे ले जाना चाह रहा 10 से और तुम पीछे भाग रहे हो 10 से, तो एक समय आएगा ट्रेन आगे चल जाएगा, तुम यहीं पे ढावा से गिर जाओगे। अच्छा, बहुत सारे लोग जिम किए होंगे कभी या देखे होंगे ट्रेडमिल, तो ट्रेडमिल में क्या होता है, पट्टा पीछे चल रही होती, अब मान लो पट्टा पीछे चल रहा है 10 से, तो मुझे 10 से आगे भागना पड़ता है, तभी तो मैं वहीं पे वहीं खड़ा रह जाता हूं। सर मैं भाग रहा हूं कि नहीं भाग रहा हूं? सर भाग रहा हूं। कितनी स्पीड से? सर 10 से आप आगे भाग रहे हो और पट्टा 10 से पीछे भाग रहा है, तो पट्टा मुझे 10 से पीछे ले जाना चाह रहा तो मैं 10 से आगे जाना चाह रहा हूं, फिर रिलेटिव वेलोसिटी हमारी क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। अब मान लो पट्टा की स्पीड मैंने 20 कर दी और साला मुझे भागा ही नहीं जा रहा, तो क्या होता है? धमाक से गिर जाते हैं। ऐसे क्यों गिर जाते बताओ? सर इसलिए गिर जाते हैं क्योंकि पट्टा बहुत तेज चल रही पीछे, तो पट्टा मेरे पैर को 20 से ले जाएगी और हम 10 से ही जा रहे हैं, तो ऐसे ऐसे गिर जाते हैं। ठीक है कि नहीं है? हाँ सर। रिवर मैन में भी यही होता है। मान ले नदी बह रही है, नदी बह रही है VR से, हम इसमें तैर रहे हैं VM से, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मेरी वेलोसिटी VM प्लस VR हो जाएगी। रिवर इज फ्लोइंग विद VR एंड द मैन इज स्विमिंग विद स्पीड VM इन डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब डायरेक्शन ऑफ द रिवर, नेट वेलोसिटी VM प्लस VR। अप स्ट्रीम मतलब अपोजिट टू द रिवर, स्पीड हो जाएगी VR माइनस VM। फील आ गया इतना? जैसे प्रीति वाला सवाल है कि स्टीयर्स पे, एक बार क्या हुआ कि स्टीयर्स खराब है, प्रीति VM स्पीड से गई और पूरा स्टीयर्स चलने में उसको टी टाइम लगा। टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस मान लो एस है, स्पीड हो जाएगा VP। अब दूसरे दिन गया, स्टीयर्स ऊपर चल रहा था VS, और प्रीति भी ऊपर चढ़ गई, तो कम टाइम लगेगा, तो ये T1 है, मान लो ये T2 है, एस बटा VP प्लस VS, स्टीयर्स की स्पीड VS ऐड हो जाएगी। मान लो स्टेस नीचे की तरफ चल रहा, किसी दिन नीचे चल रहा है स्टेस, अपोजिट में चल रहा, तो स्टेस तो नीचे ले जाना चाह रहा, प्रीति ऊपर जा रही, तो ये होगा T3 S बटा VP माइनस VS। इसका फील है, बस तुम सवाल सॉल्व कर लोगे। मोशन अंडर ग्रेविटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अदर व्हिच इज आल्सो इन अ मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी का रिलेटिव कांसेप्ट अगर देखोगे तो मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने u स्पीड से नीचे फेंका, ua से, दूसरा ऑब्जेक्ट है उसको ub से नीचे फेंका, इसका एक्सेलरेशन नीचे जी होगा, इसका भी एक्सेलरेशन नीचे जी होगा, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा? तो सेम डायरेक्शन में सेम एक्सेलरेशन होगा, रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो, तो रिलेटिव वेलोसिटी जो होगा ए का बी के रिस्पेक्ट में वो होगा VA माइनस VB, ये कांस्टेंट हो जाएगा, और वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म मोशन होगा, यूनिफॉर्म रिलेटिव मोशन होगा। इसका मतलब ये है बेटा, ध्यान से सुनो, इसका मतलब ये है कि दोनों का एक्सेलरेशन सेम है नीचे, तो जिस रेट से वेलोसिटी पहले की चेंज होगी वो दूसरे की भी उसी रेट से चेंज होगी, तो जितना वेलोसिटी इसमें इंजेक्ट होगा उतना ही इसमें इंजेक्ट होगा, तो रिलेटिव वेलोसिटी तो वही रह जाएगा। हाँ, तो एक मोशन अंडर ग्रेविटी नॉन यूनिफॉर्म मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, लेकिन एक रिलेटिव मोशन अंडर ग्रेविटी दूसरे ऑब्जेक्ट जो मोशन अंडर ग्रेविटी में है यूनिफॉर्म मोशन होता है, उनका रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो, रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट, तो यूनिफॉर्म रिलेटिव मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म रिलेटिव मोशन होता है। इसमें मान लो कि एक ऑब्जेक्ट को मैंने यू बराबर 20 मीटर पर सेकंड से नीचे फेंका, 80 मीटर नीचे एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने 40 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका, कितने देर बाद टकरा जाएंगे? पता है क्या करोगे? एक पर बैठ जाओ, दूसरे को देखो, अगर तुम इस पर बैठ गए तो ये तो रुक गया, हाँ रुक गया, रिलेटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा जीरो, रिलेटिव वेलोसिटी अपोजिट में तो ऐड 40 20 60 और डिस्टेंस 80, 80 बटा 60 इस टाइम आंसर। यस आंसर, खत्म। बॉल थ्रोन डाउनवर्ड विद स्पीड 20 मीटर पर सेकंड एंड 30 मीटर पर सेकंड साइमल्टेनियसली इन फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी एंड सेपरेशन बिटवीन देम आफ्टर 4 सेकंड। तो t इज इक्वल टू 4 सेकंड के बाद देखोगे तो एक को फेंका है 20 से, दूसरे को फेंका है 30 से,
तो रिलेटिव वेलोसिटी जो अभी हो जाएगी बी का ए के रिस्पेक्ट में 10 मीटर पर सेकेंड, वही हमेशा रहेगा कॉन्स्टेंट। और सेपरेशन हो जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी इंटू टाइम, 10 गुना 4 40 मीटर दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी, रिलेटिव वेलोसिटी हमेशा 10 रहेगा, खत्म। पैसेंजर सिटिंग ऑन द ट्रेन ए मूविंग, हाँ सवाल स्क्रीन पॉज करके आराम से करना, सवाल मैंने बनाया है इसको आराम से अटेम्प्ट करना, ठीक है, आराम से अटेम्प्ट करना, ठीक है ना। और बताना एमआर को फोर दिया कि एमआर भी फोर दिया, आराम से अटेम्प्ट करो, आंसर निकालो। पॉज स्क्रीन पॉज प्लीज 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 स्क्रीन पॉज कर दिया, अब करो। सर पैसेंजर सिटिंग इन अ ट्रेन ए मूविंग इत इतना, ऑब्जर्व अनदर ट्रेन बी मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन फॉर 8 सेकेंड, द वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन बी इज इतना, देन लेंथ ऑफ द बी इज, तो पैसेंजर सिटिंग इन अ ट्रेन है, पैसेंजर ए में बैठा है जो कि आगे चल रही है 90 किलोमीटर पर आवर से, ऑब्जर्व अनदर ट्रेन बी इज इन अपोजिट डायरेक्शन फॉर द 8 सेकेंड, 8 सेकेंड तक उसको ए में बैठा हुआ पैसेंजर बी को जाता हुआ देखता है। A passenger sitting in a train A moving 90 km per hour observed that train B is moving in opposite direction for 8 seconds. If the velocity of the train B is 54 km per hour, then the length of the train B is aram se. Aram se. Screen pause kare karo, iska answer aayega D. Kaise? Kyun? Kisi liye? Baith ke socho. स्लाइड 86 होमवर्क किया कि नहीं किया, आंसर डी ही आएगा, आंसर कुछ और नहीं आएगा। अब मुझे लगता है 70% लोग यहां पे गलत करेंगे। ये बैठा हुआ है और उसको ये ट्रेन जाता हुआ दिखाई देता है 8 सेकेंड तक, बस करो। जो आदमी बैठा है उसके लिए ए में जो आदमी बैठा हो ए के लेंथ से उसको थोड़ी ना मतलब, वो तो एक पॉइंट है और उस पॉइंट को क्रॉस कर, उसको क्रॉस कर पाओगे तो देख। कार ए एंड बी ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, रिलेटिव मोशन इन 1D का, अच्छा सवाल है, होमवर्क स्लाइड 87 करिए खुद, इजी है रिलेटिव मोशन इन 1D का सवाल है, एकदम इजी है, ठीक है। बॉल ए एंड बी प्लेस द टॉप ऑफ 180 मीटर टावर, बॉल ए इज रिलीज फ्रॉम द टॉप एट 0 सेकेंड, बॉल ए एंड बी प्लेस एट 180 मीटर, 180 मीटर है, यहां पे बॉल ए है और बॉल बी है, ए इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, बॉल बी इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी एट टी इज इक्वल 2 सेकेंड, तो इसको 0 पे ड्रॉप कर दिया है, 2 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी होगी 20 मीटर पर सेकेंड और ये 20 मीटर नीचे हो, इसको नीचे फेंका है, मान ले वेलोसिटी 20 है। आफ्टर अ सर्टेन टाइम बोथ द बॉल्स मीट एट 100 मीटर अबव द ग्राउंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, इसको एक्स से फेंका है और कुछ देर बाद इसको 2 सेकेंड बाद फेंका, तो अभी 2 सेकेंड की हम जर्नी देखते हैं, कुछ देर बाद ये 100 मीटर ऊपर मिले हैं, कितना मीटर ऊपर मिले हैं, एवब द ग्राउंड, ग्राउंड से 100 मीटर ऊपर मिले हैं, 100 मीटर ये 180 मीटर, तो 80 मीटर टोटल चला है, हाँ सर 80 मीटर टोटल चला है, तो 2 सेकेंड में तो 20 मीटर चलता है और ये चलता जा रहा है तो 4 सेकेंड में कहाँ चलता है, 80 मीटर चलता है टोटल, तो ये 0 से 4 सेकेंड तक जर्नी हुआ है 80 मीटर, ठीक है, और इसको एक्स से फेंका है 2 सेकेंड बाद और 4 सेकेंड में टकरा गए हैं, तो 2 सेकेंड तक इसकी जर्नी हुई है, 2 सेकेंड में कितना चलेगा, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, 80 मीटर चलना है इसको, तो 80 बराबर इनिशियल वेलोसिटी एक्स इंटू 2 प्लस हाफ ए की वैल्यू 10 इंटू 2 का होल स्क्वायर, 80 बराबर 2x 5 × 4 = 20, 80, 80 - 20 बराबर 2x, 2x बराबर 60, तो x बराबर 30 आना चाहिए, डी है क्या आंसर, शायद मैंने लिखा हुआ आंसर डी है, ऐसा सवाल है। सोचो ए और बी दो बॉल है, यहां से 180 मीटर पे, तो समझ गए, ये ड्रॉप किया 2 सेकेंड बाद इसको फेंका वी वेलोसिटी से जो कि एक्स है, इसको जब 2 सेकेंड हो गए थे तो 2 सेकेंड हो गए थे तो 20 मीटर और 20 मीटर पर सेकेंड चल रहा होगा,
और कहीं 100 मीटर ग्राउंड से 100 मीटर ऊपर टकराया तो ऊपर से 80 मीटर होगा, ऊपर से 80 मीटर कितने टाइम तक चले होंगे, 4 सेकंड तक, ड्रॉप किया और 80 मीटर चला तो 4 सेकंड तक चला होगा, तो इसकी जर्नी 4 सेकंड होगी, और वहीं पे ये भी मिल गया है, इसके 2 सेकंड बाद इसको फेंका था तो इसकी जर्नी तो 2 ही सेकंड हो गई। ये ऐसा पीवाई क्यों था, बता रहा मेहनत कितनी लगी होगी। एक कमेंट इस सवाल को सुंदर बनाने के लिए तो चाहिए, कमेंट एक कमेंट तो इस सवाल को सुंदर बनाने के लिए चाहिए। क्यों सोचना, ऐसा ही कुछ सवाल था जो हमने क्लास में कराया था, लेकिन वो सवाल नहीं पूछा, सवाल को और घुमा दिया थोड़ा, लैंग्वेज चेंज किया है कि नहीं किया है बताओ। टू ट्रेन एन बी ऑफ लेंथ एल एंड फोर एल आर ट्रेवलिंग, ये तुम्हारा होमवर्क है प्योर, स्लाइड 89। बेटा 7-8 होमवर्क तो दूंगा ना कम से कम, घर पे बैठ के आराम से सॉल्व कर, आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर सी है, आंसर ही बता दिया, ठीक है, नहीं होगा तो अपन कर लेंगे। सारा कंसेप्ट रिवाइज कराया, बहुत क्रिएटिव सवाल कराया, तुम्हें जो पी वाई क्यू लगा वो पी वाई क्यू नहीं था, उसको चेंज करके कराया, पर मेहनत लगेगी, दिक्कत आएगी, इसको करने में बहुत आसान नहीं होगा, पेन आएगा, लेकिन वो एक बार पेन लेके तुम अगर पूरा कर लोगे ना, और तुम इस वीडियो को अंत तक देख लिया भैया अभी तक, तो कभी पढ़ा था और जो कॉन्फिडेंस आया था पढ़ते समय वो रिगेन हुआ कि नहीं बताओ, कॉन्फिडेंस रिगेन होता है ना यार, ऐसा लगता है सब कुछ भूल गया, लेकिन अब करने के बाद लग रहा है नहीं अब सब आता है।